नमस्कार। आइए 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 आइए। नमस्कार। आप बेटे की शादी बहुत धूमधाम से कर रहे हैं, बहुत दिनों तक इस शादी को लोग याद रखेंगे। देखिए, ये किसी को याद रखने के लिए नहीं है, बस जो लोग आए अच्छे दिल से, पूरे मन से नए जोड़े को आशीर्वाद दें, बस इतना ही चाहता हूँ मैं। मुझे बहुत खुशी मिलेगी। आइए बैठिए। नमस्कार पापा जी। हाँ, वहाँ सारी तैयारियाँ करवा दी हैं। अच्छा। मैंने वहाँ पर 100 पलंग डलवाए हैं। हाँ। और सारे पलंग मिट्टी के ही हैं। ठीक है, ध्यान रखना सबका। आइए आइए। सुनिए, सासू माँ बुला रही है। ओ हाँ, बोलिए माँ, क्यों बुलाया? सुनो, कलश कम पड़ गए हैं और 10 मंगवाने पड़ेंगे, ठीक है? हाँ। माँ जी, काफी होंगे शायद। ये काफी है क्या? जब मैं शादी करके यहाँ आई थी ना, पहला कलश यहाँ पे उठाया था और दूसरा कलश अपने घर पे उठाया था। अब दिन बदल गए हैं माँ। हाँ, दिन बदल सकते हैं, लेकिन परंपराएं तो नहीं। नमस्कार। आइए। ये खीर पी लीजिए। दादी माँ, शादी का क्या मतलब है? शादी का मतलब बड़ा त्योहार। मतलब होली और दिवाली जैसा त्योहार? वो त्योहार साल में एक बार आते हैं, लेकिन ये त्योहार जिंदगी में एक बार आता है। जब ये त्योहार आता है, नए रिश्ते नया प्यार भी साथ लाता है। और नए कपड़े भी आते हैं? नए कपड़े भी आते हैं। और इतना ही नहीं, सबसे बढ़कर घर में नई पीढ़ी भी आती है, इसलिए शादी मतलब बड़ा त्योहार, समझा? हाँ हाँ। रुको रुको, चप्पल पहन कर क्यों जा रहे हो? एक मिनट में देकर आ जाऊंगा माँ जी। देखो, शादी का मंडप मतलब मंदिर जैसा होता है। यहाँ पर अष्टदिक्पालक, सप्तऋषि सब होते हैं। कलश में विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ विराजित होते हैं। ऐसे पवित्र स्थान में चप्पल पहन कर जाओगी क्या? माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था कि मंडप में इतने सारे भगवान होते हैं। चप्पल उतार देता हूँ। ईश्वर कृपा से है ऐश्वर्य समूचा, अनुबंध है ये शुभ मन से शुभ मन का। नित्य कल्याणं लाए सप्तपदी, लक्ष्मी कहो स्वागतम। वचनों की वेदी, मंत्रों की ध्वनि, लिख रही है एक नव काव्यम। है देती सुख राशि, जीवन हो मधुमासी, सब देव आशीष दे। हर मन प्रसन्नचित, कण कण आनंदित, परिवार संलग्न शुभ कार्य में। सम्मान है हर सु, स्वाभिमान है हर सु, समय चल रहा है ये सौभाग्य में। कल्याणं वैभोहं श्री श्रीनिवासुनी कल्याणं। दादी माँ, ये शादी तो सच में त्योहार जैसी ही थी, है ना? बिल्कुल सच कहा। जब तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हारी शादी भी ऐसे ही करूँगी। गली 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 तेरी राह चली, जियो रे बाहुबली। प्राणों से बढ़कर प्यारा तू, प्यारा तू। गाना बाद में गा लेना, पहले ये बताओ कि क्या लेकर आए हो। दीदी ने आपके लिए डोसा बनाया है। सुनिए, नाश्ता तैयार है। पंछी बोले हैं, क्या तुमने डोसा बनाया? ये लीजिए, आपकी फेवरेट चटनी। साले साहब, आप जानते हैं कि विष्णु देव ने अमृत किसके हाथ में दिया? देवियों के हाथ में। अरे नहीं, औरतों के हाथ में। उनके हाथ से जो बनता है सब अमृत ही होता है। सुनिए राजी, राजी, आपको शायद कोई बुला रहा है। पहले खाना, उसके बाद कोई काम। उसे चिल्लाने दो, चिल्ला कर खुद चुप हो जाएगा। राजी, सुनिए राजी। क्या रे सिनु, ऐसे चिल्ला रहा है जैसे भूकंप आ गया। ये रूल थोड़ी ना कि भूकंप आने पर चिल्लाया जाता है, बाइक लेकर जाने पर भी चिल्लाते हैं। बाइक लेकर चले गए कौन? और कौन? इनकी लाडली बेटी पद्मावती। हाँ,
सुनिए छोटी मालकिन, हाँ? आप बुलेट बहुत अच्छी चलाती हैं। थोड़े दिनों के बाद हवाई जहाज चला लेंगी। हाँ, चला तो सकती हूँ। हाँ? लेकिन ऊपर आसमान में मैं हवाई जहाज चला रही हूँ, ये तुम्हें नीचे से दिखाई नहीं देगा ना, इसलिए नहीं चलाती। हाँ, ये अच्छी बात है। देखा आपने, वो तो ऐसे देखकर चली गई जैसे मैं दीवार पर कोई पोस्टर लगाऊं। बोलिए ना सर। बेटी, ये सिनू कह रहा था कि तुमने उसकी बाइक ले ली। जिसने ये बताया कि उसकी बाइक ली है, उसने ये नहीं बताया कि क्यों ली है। क्यों? वो रामराज जी से 25,000 रुपए उधार लिए थे, अब तक लौटाए नहीं। अब याद आया? जब वो पैसे लौटा देगा तब बाइक वापस दे दूंगी। अब जाने दो बेटी, उसके पास नहीं होंगे, जब होंगे दे देगा। हाँ, दे देगा दे देगा। जब आपके पास से उसने पैसे लिए थे तब कितने महीनों में लौटाने की बात की थी? 2 महीने में। और अब कितने महीने बीत गए? मार्च। 10 महीने बीत गए, मतलब 8 महीने ज्यादा हो गए। वैसे परसों मुर्गी की शर्त में कितने मिले थे? अगर कह दिया तो पूरा भरना पड़ जाएगा। क्या जी, 50,000 डूब गए समझो। अरे बेचारा, डूब गए बेटी। मामा जी, इससे हमारा कर्जा चुकाने के लिए 25,000 रुपए नहीं है और शर्त में हारने के लिए 50,000 है। फंस गया मैं। सही है ना? है ना। जब तक आप पैसे नहीं देंगे हम बाइक नहीं देंगे। जाइए। अब आप चलिए मामा जी। सुनिए मास्टर जी, राज जी, आप तो बिल्कुल ही चुप हो गए, कुछ तो बोलिए ना सर। एक काम करो, आप 25,000 दे दो। आप भी यही कहेंगे? मेरी बेटी जो कहेगी मैं वही करूंगा। क्या बाप है ये? आइए साले साहब, बहुत सारे काम बचे हैं। बाय बेटा, अच्छे से पढ़ाई करना। क्यों, इस तरह की मर्दानगी दिखाने की क्या जरूरत है? इस तरह बाइक लेकर आएगी क्या? आजकल ऐसे ही रहना चाहिए। मामा जी की तरह दयालु रहेंगे ना तो बाकी जायदाद भी चली जाएगी। वैसे जब आप यहाँ आई थी तब इनके पास कितनी जमीन थी बताइए? तकरीबन 100 एकड़। और अभी कितनी है? क्यों, 25 होगी ना, बताइए। उतने ही होने चाहिए। उतने ही मतलब? अब तो बाकी 75 एकड़ कहाँ गए पता है? देखिए, मामा जी की अच्छाई की वजह से कोई भी आवारा आकर इन्हें लूट लेता है। वैसे मामा जी, आप अपने आप को अच्छाई का ब्रांड एम्बेसडर समझते हैं क्या? है। कोई भी मदद मांग ले तो बस आगे पीछे बिना सोचे चल देते हैं। क्यों रे, मामा जी से ऐसी बातें क्यों कर रही है? क्यों नहीं करेगी, सब इसी के लाड़ प्यार का नतीजा है। बहन को पड़ोस में रहने के लिए बुला लिया और इस भौंजी को सर पे चढ़ा के रखा है। सुधरेगी नहीं ना तो देख लूंगी। नहीं, नहीं सुधरूंगी, क्योंकि मेरा वो हक है। और वैसे भी मैंने एग्रीकल्चर में MSc की है ताकि यहाँ रहकर मैं सबकी देखभाल कर पाऊँ। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हाँ वेंकट राव, प्रसाद से बात कर लिए मैंने, तुम एक बार जाकर मिल लो। पैसे पैसे तो मैं अरेंज कर ही दूंगा। यहाँ यहाँ सिग्नल नहीं मिल रहा है, मैं बाहर निकल कर बात करता हूँ। हेलो हेलो। क्यों रे, मेरे बेटे को डरा रही है? मेरे पोते को आ जाने दे, फिर दिखाऊंगी तुझे। आने का क्यों वेट करना है, मैं कॉल कर लेती हूँ, जो बताना है बता दीजिए। हाँ पद्दू, बोल। हेलो, सुनो ना, पता है आज क्या हुआ? तू वो सीनू की बाइक लेकर आ गई है, यही हुआ ना? हाँ? ये तुम्हें कैसे पता? अभी अभी सीनू ने योर पद्दू वेरी क्रिमिनल, शी टुक माय बाइक, ऐसा टूटी फूटी इंग्लिश में मैसेज भेजा है। इतनी जल्दी मैसेज भी भेज दिया? हाँ। अच्छा बोल, अभी बाइक लाने की वजह से दादी का तुझसे झगड़ा हो गया, तूने सोचा मेरे आने के बाद बताएगी, पर सोचा इतनी देर क्यों, अभी बता देती हूँ। अच्छा, तुम्हें सब पता चल जाता है। मेरे पोते को समझ क्या रखा है तूने? ला फोन दे मुझे। अब बोलिए। हेलो। हाय दादी, स्पीकर ऑन कर दिया क्या? हाँ, ये भी पता चल गया। दादी और मैं तुम्हारे बारे में गॉसिप करेंगे, इसीलिए ना। हाँ देखो तू, हम दोनों के बीच बीच में बोलती है ये। कोई बात नहीं, रात को तबीयत ठीक नहीं थी ना, आप कैसी हो? ठीक है, लेकिन तेरे आने तक इसे चुपचाप रहने के लिए बोल। ए पद्दू, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझ गई। समझ गई ना, बहुत काम है, चल बाय। हे, व्हाट हैपेंड? प्रभु ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। अरे क्या कर रहे हो? अरे मेरी बात सुनो, मुझे बैंडेज बांधने दे। मेरी बात तो सुनो, क्या कर रहा है? नहीं छोड़ो, मुझे कुछ नहीं करवाना। मुझे क्यों मारा? वो हमारा क्या लगता है? दोस्त। तो जब दोस्त कुछ करना चाहता है उसे एनकरेज करना चाहिए, डिस्करेज क्यों कर रहे हो? चल हट। वैसे तू सुसाइड क्यों करना चाहता था? सुसी से ब्रेकअप हो गया। ओह, प्यार का मामला है, फिर तो मर जा, कुछ गलत नहीं होगा। वैसे तूने जब पिछला जॉब छोड़ा था तब GM को बताया था? और जब घर शिफ्ट किया था तब लैंडलॉर्ड को? ओह गुड गुड, तो
जॉब देने वाले को जॉब छोड़ते वक्त बताया, घर देने वाले को घर छोड़ते वक्त बता दिया, तो फिर सांस देने वाली माँ को सांस छोड़ते वक्त नहीं बताएगा? बताया क्या? प्रिया, तुम इसकी मां को फोन करके इन्फॉर्म कर दो। प्रिया प्रिया, नो प्लीज, नहीं। लड़की के लिए जान देने की हिम्मत है, मां को बताने की हिम्मत नहीं है। देख, हमारी लाइफ हमारी अकेले की नहीं है, हमारी लाइफ हमारी फैमिली की है, हमारी लाइफ हमारी फ्रेंड्स की है, हमारी लाइफ हमसे कनेक्टेड हर एक इंसान की होती है। तुझे कुछ हो जाए तो पता है हम सबको कितना दुख होगा। ठीक है, अब तू क्या चाहता है? सूजी तुझसे प्यार करे, इतना ही ना? प्रिया जरा फोन देना। हेलो सूजी, वासु बोल रहा हूँ। हाँ वासु, टेल मी। कुछ नहीं, तुमने उसका प्यार ठुकरा दिया इसलिए प्रभु सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है। What? सुसाइड अटेम्प्ट? हाँ? उसने कहीं सुसाइड नोट पर मेरा नाम तो नहीं लिखा? हे, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस केस तो नहीं होगा ना? प्लीज टेल मी यार, मुझे किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसना है। नो 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 नो, ही इज एब्सोल्युटली सेफ। ओके बाय। तूने सुसाइड अटेम्प्ट किया ये बताया तो उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा कि कहीं उसे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ऐसी लड़की के लिए मरना चाहता है तू? I'm sorry यार। It's okay. Okay guys, get back to work. Come on. एक बात बोलूं वासु, तू जीनियस है यार। इसमें जीनियस क्या है यार? हमेशा हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कभी कभी दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जिंदगी इजी हो जाएगी। सिंपल। हे, हटो सामने से। हेलो, सिग्नल है। ए, बाजू से निकल जा यार। जाने दे यार। अरे। Are you okay? आदमी को तमीज से रहना चाहिए, अगर वो बदतमीज हो तो मुझे तमीज सिखाना भी आता है। अब कटे हुए प्याज को इस पर ऐसे डालना है और फिर थोड़ा सा तेल, थोड़ा अदरक और जीरा डालेंगे ना तो और भी टेस्टी लगेगा। जरूरत नहीं है वासु। क्या? मेरे लिए एक डोसा ये लेना। सबके लिए बना रहा, मेरा भी ऑर्डर ले लेता। ऑर्डर लेने के लिए मैंने कोई होटल खोला क्या? वैसे भी तो बना ही रहा है ना। बना नहीं रहा हूँ, कैसे बनाना है सिखा रहा हूँ। 10 दिन में प्रिया की शादी है, उसे डोसा बनाना सिखा रहा हूँ। 10 दिन में शादी है और अभी डोसा बनाना सीख रही हो? ऐसे लोगों की वजह से ही करी पॉइंट चमक रहे हैं और स्विगी बहुत स्विंग में है। देखा, हम जैसे लोगों की वजह से कितने लोग जी रहे हैं। तुझे ऐसे समझ आया? तू कितना भी सिखा ले वासु, ये लोग सिर्फ खाना जानते हैं, बनाना नहीं। तू हमें बोल रहा है? तू देखते जा, ऐसी बीवी मिलेगी जिसे कॉफी बनानी भी नहीं आएगी। कॉफी क्यों? नहाने के लिए गर्म पानी, कपड़े तक आयन करना नहीं आएगा तेरी बीवी को, ये मेरा श्राप है। ऐसा ही होगा। श्राप देने के लिए मेरे लाइफ में वाइफ नाम का चैप्टर होना चाहिए ना बेवकूफ। हे ब्रो, कैन यू सिट देयर? व्हाई? आप इधर बैठेंगे तो वो लड़की दिखाई नहीं देगी। लड़की? ओके ब्रो, कैरी ऑन, चल यार। थैंक यू ब्रो। एक्सक्यूज मी, What's this for? Huh? अरे, are you okay? Oh, okay. Anyway, I'm Shri from Hyderabad. Oh, Hyderabad से? I am Praveen. He is Srinivas. Hi. And this is Priya. Hi. बोले. Hi, I'm Bujji. Hi, Bujji. Okay, I'll see you guys. Bye. Hey. बिल कितना हुआ है? क्यों? क्यों बताऊं? अरे बताना. क्यों? तू बिल भरेगी क्या? अभी वो लड़की दोस्त बन गई है ना, तो डिस्काउंट मिलेगा ना। डिस्काउंट? 4 बर्गर 3 सैंडविच 2 पिज्जा 1 मिल्कशेक पार्सल करवा लेते हैं ना। इतना सब कुछ ऑन द वे में खाने के लिए। और श्री, क्या सोचा मेरे प्रपोजल के बारे में? यार इसे कह दे, लव इज अ पर्सनल डिसीजन बट मैरिज इज अ फैमिली डिसीजन। वंस यू एक्सेप्ट मी, आई विल कन्विंस एवरीवन। फर्स्ट यू कन्विंस दैट पर्सन। कौन? और कितने लोगों को बोलेगा ये डायलॉग, इडियट? ए प्रिया, रुको 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 रुको, मेरी बात सुनो। चलो। हाँ, मैरिज उसकी, लगेज मेरे सर। हे,
या रीजन क्या है? प्रॉब्लम को हैंडल करने की स्मार्टनेस के लिए। बाय, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग शांति, मैं ऑफिस पहुंच गया, अब अंदर जा सकता हूँ? ऑफिस के अंदर आ गया, लंच टाइम में फोन करूंगा। ओके, जरूरत नहीं है क्योंकि मैं करूंगी, आंसर कर लेना। ठीक है। क्यों बे, फोन पे तेरी शांति थी ना? ये वीडियो कॉल इन्वेंट करने वाले को दरअसल मार डालना चाहिए, शांति भंग हो गई है। ओह माय गॉड, लुकिंग जॉर्जियस, इस ड्रेस में क्या लग रही हो? पहले कॉल तो कट करो। तेरे कामों की वजह से ही तेरी शांति तुझ पे शक करती है। शक करने दे यार, कॉमन है। ये बीवियां लैंडलाइन की तरह होती हैं, एक ही जगह रहती हैं, लेकिन ये लोग मोबाइल से हैं। जब हम बाहर रहते हैं तो मोबाइल हमारे काम आता है ना। ए वासु, हाय। हाय वासु सर, योर डिजाइन हैज बीन सिलेक्टेड बाय गूगल। वेरी सून दे आर गोइंग टू स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन एंड यू विल बी गोइंग टू हैदराबाद। सुपर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, कांग्रेचुलेशंस बेटा। माँ जानकी, पद्दू, वासु को प्रमोशन मिला है। हैदराबाद आ रहा है। बात करो। क्या बात? ये बता, तेरे पापा सच कह रहे हैं क्या, तू हैदराबाद आ रहा है? हाँ दादी, एक बार आ जाऊँ तो हर वीकेंड आपके पास। कब आ रहा है बेटा? प्रिया की शादी है ना, उसके बाद आऊंगा। मुझे, मुझे, अच्छा, अच्छा, मुझे तेरी माँ को बात करने के लिए। मुझे भी देना बात करनी है। बात करेंगे तो काम नहीं बनेगा, स्पीकर ऑन करती हूँ। ये सही रहेगा। बहुत खुशी हो रही है। सुनो, तुम्हें प्रमोशन पे प्रमोशन मिल रहा है, तब तो ग्रैंड पार्टी देनी होगी। आते ही दे दूंगा। ठीक है, मुझे बहुत काम है, आई विल कॉल यू बैक। बाय बाय। ये हैदराबाद आ रहा है ना, आते ही इसकी शादी करवा देंगे। ये क्या है, शादी की बात करते वक्त आप मेरी तरफ क्यों देख रही हैं? ये मेरे बेटे में क्या कमी है? कौन सी कमी है? ऑलरेडी कोस्टा का बेटा लाइन में खड़ा है। ओह थैंक यू, वेलकम। ये वासु के प्रमोशन की खुशी में है या उसके आने की? पहले इस मिट्टी को एग्जामिन करने के लिए लैब भेजो। भेज दूंगी, पर पहले ये बता तू अपने मन की बात वासु से अब कहेगी या नहीं। उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ जब वो मेरे सामने आएगा, तब उससे कह दूंगी। ए, इतना शोर क्यों मचा रहा था, ये हथौड़ा किस लिए? वो टूलेट बोर्ड लगाया है। टूलेट किसके लिए? तू तो हैदराबाद जा रहा है। हाँ? प्रिया शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी। क्या मैं अकेला? बुज्जी है ना। बात यह है कि बेंच और बुज्जी को ज्यादा दिन मेंटेन नहीं कर सकते। और तुझे एक बात तो मालूम ही नहीं है, वो सुबह 5 बजे उठकर क्या करती है? क्या? 2 आलू पराठास एंड सम एक्स्ट्रा। इस वक्त फोन पर कौन है? भूख लगी है ना, इसलिए फोन करके मंगवा रही हूँ, समझ नहीं रहे हो? ये तो हालत है, सुबह 5 बजे फूड ऑर्डर कर रही है तो तू समझ ले। वैसे खाने का इतना पागलपन क्यों है उसे? खाने के लिए दोबारा जन्म लेने वाली बकासुर है वो। नहीं नहीं, बकासुरी है। उसे अकेले बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, कोई साथ में चाहिए। आ गई क्या? कब की? बोल नहीं सकता था तू? कहानी सुना रहा था इसीलिए डिस्टर्ब नहीं किया। पिज़्ज़ा गया। ए हटना। थैंक्स। ये आप, ये पिज़्ज़ा डिलीवरी? पार्ट टाइम जॉब। ओह, बाहर टूलेट बोर्ड लगा हुआ है। वो बात यह है कि वासु हैदराबाद जा रहा है, प्रिया शादी के बाद ससुराल चली जाएगी। तो रूम शेयरिंग के लिए। ओ, तो क्या मैं ज्वाइन कर सकती हूँ? लेकिन क्यों, आपके घर का भी इशू है क्या? उस दिन जिस लड़के ने कॉफी शॉप में प्रपोज किया था वो मेरे ओनर का कजिन है, तो अब मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल। समझ गया, जो हुआ उसके बाद वो बहुत हर्ट हुआ, फिर उसने कजिन को कहकर रूम खाली करने को कह दिया है ना। ओके डन, शिफ्ट हो जाइए। सीरियसली? या वैसे आपने फैमिली डिटेल्स नहीं बताए, आपके पिताजी? मैं बताता हूँ। तुझे कैसे बता बे? मैं सब जानता हूँ। परमानेंट जॉब कॉफी डे में, पार्ट टाइम जॉब पिज़्ज़ा हट में कर रही है। तो मतलब ये हुआ कि ये मिडिल क्लास फैमिली से होंगी। अब इनके फादर
किसी प्राइवेट कंपनी में छोटा मोटा जॉब करते होंगे, सुबह सिटी बस चढ़कर मेहनत करके ऑफिस जाते होंगे। अब मिडिल क्लास मम्मी रसोई में खाना बनाकर घर का काम करते करते दिन गुजार देती है। अब वैसे ये सब तुम्हें कैसे पता? मैं भी तो एमसीए हूँ। एमसीए? मिडिल क्लास आवारा। ओके। अच्छा ये ले, जूस पी लो। नहीं। हाय श्री, कैसी हो बेटा? ठीक हूँ माँ, आप कैसी हैं? आई एम फाइन। माँ, नए घर में शिफ्ट हो गई हूँ। एवरीथिंग इज ओके? हाँ, एवरीथिंग इज ओके मम्मी। डैडी कैसे हैं? एज यूजुअल बिजी हैं। So this year, our company growth increased to 20% and share value up to 40%. Are you all satisfied? Yes, sir. But I am not satisfied. Business bad raha, share bad raha, there is a lot of development, still I am not satisfied. You see, India mein kitne bhi multi-millionaire kyun na ho? Tata Birla, inke naam hi sab log jante hain. Kyun? Unke products government tak zyada pahunch rahe hain. Exactly. Ab tak RK ko sirf industrial circle ke log hi jante the. But ab jo project take up karne wale hain, उससे हर घर में मेरा नाम होगा। अगर इस बात को मैं सिंपली कहूँ तो हर घर में मैं मौजूद रहूंगा। आरके ग्रुप ऑफ कंपनीज अब वाईफाई से संबंधित राउटर बिजनेस में एंटर होने वाला है। फ्यूचर में बिना वाइफ के घर हो सकता है, वाईफाई के बिना नहीं हो सकता। नो आई एम नॉट जोकिंग, आई एम सीरियस। अगर इंटरनेट चाहिए तो राउटर भी चाहिए। मोहन राव, प्लीज कनेक्ट मी टू द सेंट्रल मिनिस्टर, आई विल एक्सप्लेन हिम एवरीथिंग। प्रोजेक्ट को बहुत जल्द शुरू करेंगे। Meeting's over. Thank you. Yes, sir. मेरी बेटी की शादी है। Oh, very good. कहाँ? Oh, गोवा में। गोवा में? Yeah, destination wedding. 5 दिन पहले ही मेरी और मेरे सन इन लॉ की फैमिली एक साथ जा रहे हैं वहाँ। तुम भी अपनी फैमिली के साथ आ जाओ। Are you mad? शादी के लिए 5 दिन वेस्ट करोगे? भाई मेरी इकलौती बेटी है वो, अब वो जैसा चाहेगी हम वैसा ही करेंगे ना। What is this, Mr. Rao? शादी लाइफ में बस एक इवेंट है। आप जो 5 दिन स्पेंड कर रहे हैं अपने बिजनेस पर कीजिए। आपके बिजनेस का ग्रोथ होगा, सोसाइटी में आपका नाम बढ़ेगा, यू नो। देखो, हम दोनों काफी पुराने बिजनेस पार्टनर्स हैं, तुम वहां जरूर आना। आई एम सॉरी राव, आप मुझसे पैसे मांगिए, शेयर्स मांगिए, जायदाद मांगिए, नहीं सोचूंगा। बट मेरा टाइम मत मांगिए, बिकॉज टाइम इज वन थिंग विच नेवर कम्स बैक। यू कैन गो नाउ। ओके, या कनेक्ट मी टू मिनिस्टर। वासु? या? डिनर इज रेडी। ओके, कमिंग। ठीक है दादी, कल सुबह फोन करता हूँ। बाय। क्यों रे, हो गया गुड नाइट कहना? या। फोन पर कौन थी, गर्लफ्रेंड? वासु ने अब तक किसी का गर्लफ्रेंड नहीं बनाया, वो जगह बिल्कुल खाली है। ए, मुंह बंद कर, फैमिली कॉल। वासु को सुबह उठते ही घर कॉल करके गुड मॉर्निंग और रात को गुड नाइट कहने की आदत है। डेली कहते हैं। हम उनसे दूर होकर भी उनके दिल के करीब रहते हैं। सुबह गुड मॉर्निंग कह दें तो सोचते हैं कि हमारे दिन की शुरुआत खुशी से हुई, गुड नाइट कहें तो सोचते हैं दिन खुशी से गुजार दिया। ऐरे गहरे लोगों को व्हाट्सएप फेसबुक पर गुड मॉर्निंग गुड नाइट कहते ही रहते हैं ना, ये तो अपने लोग हैं, कहना तो बनता है। अच्छा लगता है। हाय मम्मी, गुड नाइट। गुड नाइट, क्या हो गया? आज सूरज किसी और दिशा से निकला था। कई लोगों को फेसबुक व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग गुड नाइट तो कहते हैं ना, तो आपको कहने में क्या गलत है? डैडी को फोन दीजिए। देती हूँ। दिस नीड्स टू, क्या ये? डिवोर्स डॉक्यूमेंट्स डैड, लॉयर हैज सेंड इट। कहा सिद्धू के एक्सपेक्टेशन के बिना डिवोर्स इज नॉट पॉसिबल, वो नहीं मान रहा है। क्या चाहिए उसे? आई डोंट नो। उसे कितनी बार समझाने पर भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम उसके साथ नहीं रह सकती। श्री है, आपसे बात करना चाहती है। हाँ। हेलो। हाय डैड, गुड नाइट। हाँ बेटा, गुड नाइट। बाय। सुनो, तुम दोबारा अपने लॉयर को फोन करो, उससे पूछो उसे हो गया या नहीं, वरना मैं सीनियर लॉयर को अपॉइंट करता हूँ। ओके। मैं भी देखता हूँ डिवोर्स कैसे नहीं लेगा इडियट कहीं का। सिद्धू अगर काव्या के साथ रहना चाहता है तो गलत क्या है? एक बार उसकी तरफ से भी सोच कर देखिए ना। मम्मी, शादी के 1 साल बाद ही पता चल गया था कि साथ नहीं रह सकते, प्लीज।
काव्या, कभी कभी एक दूसरे को समझने में एक साल से ज्यादा वक्त भी लग सकता है। एक बार सोच कर देख। जो पसंद नहीं उसके साथ निभाया नहीं जा सकता, चाहे वो शादी हो या फिर बिजनेस। नहीं वो मैं। Don't waste my time, please. You go ahead. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कॉफी बहुत अच्छी है। थैंक्स। यू वेलकम। तुम रोज योगा करती हो? या। करना भी चाहिए यार, पहले ही मिडिल क्लास लाइफ है। अगर कोई हेल्थ इश्यू हुआ तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल वाले सारी जायदाद लूट लेंगे। अरे प्रिया वो फोन छोड़ो, ऑफिस नहीं चलना है क्या? सबको व्हाट्सएप पर वेडिंग इनविटेशन भेज रही हूँ। टुडे आई एम नॉट कमिंग। ओके। क्या हुआ बेटी? हाँ? फोन तो ऐसे पढ़ रही हो जैसे किताब हो। वासु की फ्रेंड प्रिया की शादी है पापा, व्हाट्सएप पर इनविटेशन भेजा उसने। इनविटेशन व्हाट्सएप पर? हाँ। एक काम करो बेटी, ऐसे ऐसे एक फोटो लो। पर क्यों पापा? अरे पहले लो फिर बताता हूँ। अच्छी आई है। हाँ। इसे शादी के दिन उस लड़की को भेज देना, चाहो तो ग्राफिक्स भी कर सकती हो इस पे। क्या पापा आप भी ना। वो क्या है बेटा, इनविटेशन अगर व्हाट्सएप पर भेजा है तो आशीर्वाद भी तो व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं ना। उनका खाने का खर्चा बचेगा और हमारा जाने का खर्चा बचेगा। अरे इस व्हाट्सएप की ऐसी की तैसी। तेरे पापा को आजकल ये सब कुछ बहुत सूझ रहा है। जरा वासु को तो फोन लगा। हाँ दादी बोलो। प्रिया की शादी में सोना खरीद कर कुछ बनाकर दे दे। अरे दादी दोस्तों के बीच ऐसी फॉर्मेलिटीज नहीं होती। फॉर्मेलिटी नहीं बेटा, परंपरा। हम चीज नहीं यादें दे रहे हैं। कल जब वो अपनी शादी याद करेगी, हमें याद करेगी, तो उसे हमारी दी हुई चीज भी याद आएगी। सही कह रही हो दादी, लेकिन दिन बदल गए हैं। दिन बदल सकते हैं। समझ गया समझ गया। दिन बदल जाए लेकिन परंपरा नहीं बदलनी चाहिए, यही ना? ओके माय डार्लिंग, ठीक है ले लूंगा। ए सुन सुन, तुझे नहीं पता चलेगा। अगर तेरे दोस्तों में कोई लड़की है तो उसे लेकर जा। ठीक है। मुझे कॉफी शॉप तक ड्रॉप कर दोगे प्लीज? ओके। Thanks. It's okay. श्री? मुझे शाम को तुम्हारे 2 घंटे उधार चाहिए थे। What? वक्त उधार चाहिए? या। सब पैसे उधार मांगते हैं, तुम वक्त उधार मांग रहे हो? तुम्हारा वक्त तुम्हारा है, मुझे दोगी तो उधार पे दोगी ना। Nice concept. तो कौन सा वक्त उधार चाहिए? 5 o'clock. Done. Hi everyone. So Priya and I are throwing bachelor's party today. पार्टी सॉलिड होनी चाहिए इसकी तरह। अब प्रियंका जस्ट मिनट, तुम भी बैचलर हो मैं भी बैचलर हूँ, शाम को फंक्शन में कपल डांस करें क्या? हम दोनों की ही शादी हो चुकी है, बताओ बैचलर कैसे हुए? तुम्हारा पति US में है तो तुम बैचलर, मेरी बीवी बैंगलोर में है तो मैं बैचलर, दोनों मिलकर डांस करेंगे तो शांति। तुम्हारी अशांति होगी। तुम्हारी वाइफ को बता दूं डांस के बारे में? भैया दैट वन ये दिखाऊं? इन्हें देखकर तो लगता है सबके सब अच्छे हैं। देखने पर यही लगता है, पहनने पर समझ में आता है। सही है, एक बार उधर देखो। हाँ? उधर घूमो ना, बताता हूँ। बहुत अच्छा है। ये भी अच्छा है। हाँ
हेलो प्रिया, तुझे कुछ पिक्स भेजी हैं, कौन सा पसंद है बता। हे, इन सब की क्या जरूरत है? दादी माँ का ऑर्डर है, बता कौन सा पसंद है। ओके ओके। गिफ्ट तो सरप्राइज के तौर पर देते हैं ना। हमारी पसंद का दे तो सरप्राइज, उनकी पसंद का दे तो सैटिस्फैक्शन। सरप्राइज से सैटिस्फैक्शन ज्यादा जरूरी है। चलो श्री, जब मैं किसी से उधार लेता हूँ ज्यादा देर रखता नहीं, सो आज 8 o'clock मैं तुम्हारे 2 घंटे लौटाना चाहता हूँ। 8 o'clock कुछ स्पेशल है क्या? शेखर, तुमने चेक किया नहीं कि ऑर्डर आ गया है? या वासु और बाकी लोग नहीं आए अब तक, एक बार कॉल करके देखो। okay. शांति, यहाँ पार्टी चल रही है, देखो अब तक स्टार्ट नहीं हुई है, कुछ देर में स्टार्ट हो जाएगी। फ्री में मिल रही है तो ज्यादा मत पी लेना। अच्छी जी, बस 2 पैग ही। मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, बाद में कॉल करूं? जरूरत नहीं है, मैं कॉल करूंगी, तुम आंसर करना। अच्छा ओके। चीयर्स। देख, शादी करने वाले को इन आखिरी पलों में बैचलर पार्टी में भरपेट पीना चाहिए। करेक्ट। यार तुझे शादी से इतनी चिढ़ क्यों है? मैं समझाता हूँ। हाँ। ये शादी से पहले लड़का, देखा कितना फायर है। ये लड़की है, शादी के नाम पर लड़के से मिलती है। ओहो। स्विंग। फायर कहाँ है? खत्म हो गया। तो इससे हमें क्या समझ में आया? शादी के बाद आदमी की जिंदगी बेकार हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कौन बोला? शादी के बाद ना हमारा ही नुकसान होता है। कैसे? ये क्या है? आइस क्यूब। ये शादी से पहले लड़की, ये लड़का है, शादी के नाम पर हम इसकी लाइफ में जाते हैं। इसमें आइस क्यूब कहाँ है? नहीं है। सो शादी से पहले हमारे एक नाम होता है, एक आइडेंटिटी होती है। मर्द की जिंदगी में जाने के बाद वही होता है, हम हैं तो सही लेकिन हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। क्या शादी के बारे में तुम्हारे भी कोई ओपिनियंस हैं? ए, आओ आओ बैठो। हाय वासु। ये लड़का ही है ना? ओके, चल पी ले। ए, मैं नीट नहीं पीऊंगा, लीवर खराब हो जाएगा। ये लड़की है ना? हाँ। चल पी ले। सिर्फ सोडा से किक नहीं मिलता यार। ओके, अब पी। कैसा है? सुपर। लाइफ भी ऐसी है, लड़का और लड़की एक साथ आएंगे तभी मिलेगी किक। पेरेंट्स हमें जन्म देते हैं, फ्रेंड्स हमें खुशी देते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर लाइफ देते हैं। ऐसे लाइफ देने वाली पार्टनर के बारे में अच्छा नहीं कह सकते, कोई बात नहीं, पर बुरा भी मत कहो। ओके, फिलहाल तुम लोग जितना खुश हो, शादी के बाद भी अगर उतना ही खुश रहोगे तो समझ लो लाइफ सेट हो गई है। लाइफ की ब्यूटीफुल जर्नी स्टार्ट करने के लिए प्रिया और शेखर के लिए चीयर्स। ओके, चलो ऑफिस में मिलते हैं। बाय। वासु, तुमसे कुछ बात करनी है। I'm very sorry. बिना वजह बताए सॉरी क्यों कह रही हो? जैसा मैंने बताया था, मैं मिडिल क्लास फैमिली से नहीं हूँ। हैदराबाद में आरके ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन आरके मेरे पापा हैं। लंदन में MBA कंप्लीट करके मैं हैदराबाद आई थी। गुड, एजुकेशन कंप्लीट हो गई है, हमारा बिजनेस भी बढ़ रहा है। वी आर एंटरिंग टू लॉट ऑफ बिजनेस। अब से तुम्हें भी बिजनेस संभालना होगा। श्योर डैड। सो ये 6 महीने तुम जहां जाना चाहती हो जा सकती हो, पर इन 6 महीनों में कोई ना जाने कि तुम आरके की बेटी हो, तुम्हें तुम्हारी तरह जीना होगा। यू नो व्हाई? लाइफ में सक्सेस पाने के लिए दुनिया के बारे में जानना पड़ता है, लोगों को परफेक्टली कैलकुलेट करना होता है। कैलकुलेशन रॉन्ग हो तो डिस्टर्बेंसेस स्टार्ट होते हैं। ओके डैड, होप यू गेट इट। बाय द वे, जुबान देने का मतलब बिजनेस के लिए स्टार्ट होना, जुबान पर खड़े रहने का मतलब बिजनेस में सक्सेस होना है। डोंट फॉरगेट दैट। इसीलिए किसी को बताया नहीं मैंने। जब झूठ के पीछे की वजह अच्छी हो तो वो झूठ बोलना गलत नहीं होता। तुमने अपने पापा की बात का मान रखा, वो लग्जूरियस लाइफ छोड़कर
एक नॉर्मल जिंदगी जी रही हो, ये मुझे अच्छा लगा। बेटी yeah. सर का फोन। वन सेकेंड। हाय श्री। हाय डैड। निकल गई? नहीं डैड, नहीं आ रही, मैं 4-5 दिनों के बाद आ जाऊंगी। व्हाई? यहाँ एक लड़की से फ्रेंडशिप हुई है, उसकी शादी अटेंड करके आ जाऊंगी। कुछ दिनों पुरानी दोस्ती के लिए 5 दिन वेस्ट करोगी? एक्चुअली डैड। ओके ओके, दिस इज द लास्ट टाइम। आई नेवर एवर वॉन्ट यू टू वेस्ट टाइम फॉर सच सिली थिंग्स अगेन। ओके थैंक्स डैड। वासु, पापा ने शादी में जाने की परमिशन दे दी है। सो कब जा रहे हैं हम वहाँ? कल सुबह। तुम रिचो पता नहीं था, कुछ भी बक दिया। नहीं इट्स ओके। वासु चले। क्या ढूंढ रही है? फोन। ओ फोन, रुको मैं कॉल करता हूं। बाय। माय हार्ट इज बीटिंग। अब चलें। लेट्स गो। हाय। 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 हाय गाइस, कैसा है यार? प्रिया कहाँ है? वैसे अभी ये साबुदाने के पकोड़े बनाने जरूरी हैं क्या? 4 दिन में वासु आ रहा है ना, उसे ये बहुत पसंद है। नाम लिया और शैतान का फोन आ गया। हाँ बोलो वासु। जरा दादी को देना। दादी, तुम डेस्टिनेशन वेडिंग देखना चाहती थी ना, अभी दिखाता हूँ। ये मेहंदी काउंटर है। ये देखो, ये टैटू काउंटर। टैटू मतलब? टैटू मतलब निशान लगाना। निशान लगाना? ओ हाँ। ये कॉकटेल काउंटर। कॉकटेल मतलब? वही। अच्छा वो। यहाँ संगीत होने वाला है। ए, शादी दिखाऊंगा कहकर क्या दिखा रहा है ये? डेस्टिनेशन वेडिंग ऐसा ही होता है दादी। हमारे गाँव के मेले की तरह लग रहा है। तुमने तो कचरा ही कर दिया। ठीक है, बाद में फोन करता हूँ। बाय बेटा। बाय। वासु की शादी भी हम ऐसे ही करेंगे, डेस्टिनेशन वेडिंग। जरूरत नहीं है, मेरे पोते की शादी कैसे करनी है मुझे पता है। आप शादी जैसे भी करें, मंडप पर तो मुझे ही बैठना है। क्यों रे, लड़की को देखकर दिल हिल गया? या यही तो लड़कियों की प्रॉब्लम है, हम उन्हें देखें या वो हमें देखें, हालत हमारी खराब होती है। या चल। हे रिया, तुम ना खुले बालों के साथ ज्यादा अच्छी लगती हो। थैंक यू। क्या कर रहे थे? कौन सी लड़की कैसे अच्छी दिखती है, सजेशन दे रहे थे? कुछ हासिल करना हो तो कभी कभी तारीफ भी करनी पड़ती है। समझ नहीं आया। ये क्या है? खूबसूरती को नजर ना लगे। मुझे नजर लगेगी तो तुम्हें क्या? पार्टनर को नजर लगेगी तो बुरा लगेगा ना। पार्टनर मतलब डांस पार्टनर? लाइफ पार्टनर। माय हार्ट लिखकर मेरा नाम सेव किया ना, मैंने तुम्हें यहां सेव कर दिया।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणोध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे तो रूप श्री गणेशाय नमः। क्या कर रहे हैं आप लोग, जरा ठीक से बैठिए ना। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव। लेट हो रहा है, चलें क्या? अरे कुछ देर बाद शादी हो जाएगी, उसके बाद चलते हैं ना खाना वाना खा के। राव जी से मिल चुके हैं ना, चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। मुहूर्त कब का है? आपका आना ही हमारे लिए मुहूर्त है सर, आप इतनी दूर से आए यही हमारे लिए मुहूर्त है सर। अर्जेंट कॉल आया है, मिनिस्टर जी को दिल्ली जाना होगा। वो 10 मिनट में चले जाएंगे, आप प्लीज बैठिए। जी जी। वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा। सुनिए पंडित जी, मिनिस्टर साहब की अर्जेंट मीटिंग आ गई है, आप कार्यक्रम को जल्दी समाप्त कीजिए। मुहूर्त में अभी समय है जी, मिनिस्टर जी के पास वक्त नहीं है, उन्हीं की वजह से आज मेरा ये स्टेटस है। मुहूर्त को आप जल्दी समाप्त कर दीजिए ना। देखिए मुहूर्त से पहले कोई भी शुभ कार्य नहीं। मुहूर्त का क्या है, वो तो हम ही लोगों ने लिखा है ना, आप मंत्र पढ़िए। मंगलम मंगलम करुणोध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय। पंडित जी से मैंने कह दिया है आप 10 मिनट में जा सकते हैं। अंकल आप ये जो कर रहे हैं ये सही है क्या? मिनिस्टर जी के लिए आप मुहूर्त बदल देंगे? मिनिस्टर साहब हमारी बेटी की शादी में कितनी दूर से आए हैं, इनके काम का भी तो ध्यान रखना है ना बेटा। तो मुहूर्त की क्या जरूरत है, ऐसे ही करवा दीजिए। मर्जी से बदलने के लिए शादी कोई इवेंट नहीं है अंकल, इट्स अ ब्यूटीफुल मोमेंट। वैसे भी मुझे ये शादी नहीं लग रही है अंकल, कोई कहता है खाना खाकर जाते हैं, कोई कहता है आपसे मिल लिया तो आप निकल सकते हैं। सोचा था शादी में आने वाले ऐसे होंगे, पर आप भी वैसे ही निकले। वैसे 5 साल कुर्सी पर बैठने वाले मिनिस्टर भी मुहूर्त देखकर ही शपथ लेते हैं, ऐसे में जिंदगी भर साथ रहने वाले दो लोगों को मुहूर्त की जरूरत नहीं है। सर शादी के लिए इतनी दूर आए हैं, आशीर्वाद देने के लिए आप 10 मिनट और नहीं रुक सकते? राव सर पहले से जो मुहूर्त तय है उसके हिसाब से शादी करवाओ। ओके सर, थैंक यू सर। त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणोध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्या सोच रही हो? हाँ, हमारी शादी के बारे में। शादी के बारे में इतना सोचना क्या है? तुम शादी और परंपराओं को इतनी अहमियत देते हो, हमारे घर में शादी इज जस्ट एन इवेंट। तुम जानते हो ना दी का भी डिवोर्स होने वाला है, तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के बारे में बताने पर शायद डैड कन्विंस हो जाए। क्या वासु की फैमिली सच में इतनी अच्छी है? हाँ मम्मी, अभी उनकी जॉइंट फैमिली ही है, पता है उन सबके बीच में कितना प्यार है। जहाँ अफेक्शन ज्यादा हो वहीं रिलेशन स्ट्रॉन्ग होते हैं। Have a seat. तुम पापा के साथ? तुम डैड से बात करने वाली थी ना, तो मैंने तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा। प्यार हो जाए तो हमारे पार्टनर को बताने में ही बहुत वक्त लग जाता है, ऐसे में अपने पापा को ही बताना, इसीलिए मैंने सोचा मैं खुद ही तुम्हारे डैड से मिल लूं। हाय सर, आपसे कुछ बात। Have an appointment? बहुत देर से वेट कर रहा हूँ। वेट कर रहे हो, वो तुम्हारी जरूरत है, अपॉइंटमेंट के बिना मैं बात नहीं करता। श्री के बारे में बात करनी है। Tell me, श्री और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। एक्चुअली श्री आपसे बात करने वाली थी, लेकिन मुझे लगता है प्यार की बात उससे करनी चाहिए, शादी की बात मुझे आपसे करनी चाहिए, इसीलिए बात करने खुद चला है। डैडी ने क्या कहा?
मैंने दुनिया को समझने के लिए कहा तो वो प्यार को समझ कर आई है। वासो की फैमिली वाकई में बहुत अच्छी है जी। सो यू नो एवरीथिंग डैडी? वो जब फोन करके गुड नाइट कहा तभी मुझे पता चल गया था कोई तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है। 6 महीने तक तुम मुझसे मिले नहीं और यहां 3 दिन रुक गई, मतलब तुम्हारी जिंदगी में कोई मुझसे भी इंपॉर्टेंट पर्सन आ चुका है। ऐसा नहीं है डैडी। लेट्स कम टू द पॉइंट। तुमने प्यार क्यों किया नहीं पूछूंगा, 100 रीजंस होंगे तुम्हारे पास। हाँ लेकिन श्री तुम शादी क्यों करना चाहती हो, सिर्फ एक रीजन बता दो। वासु उसकी जिंदगी में जो भी है उन्हें खुश रखना चाहता है डैडी, और मुझे तो वो अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करता है, तो सोचिए मुझे कितना खुश रखेगा। जब आपके साथ रहती हूँ जितनी खुश और सिक्योर फील करती हूँ उसके साथ भी ऐसा ही फील करती हूँ डैडी। ओके ओके, अपने पेरेंट्स को यहाँ आने के लिए कहो। वो नहीं आएंगे अंकल। क्या कहा तुमने? वो आपके घर नहीं आएंगे। क्यों? विधि के अनुसार आपको लड़की वाले बनकर हमारे घर आके उनसे बात करनी होगी। यही विधि और परंपरा है। कहाँ के रहने वाले हो? सखी ने टिपल। चलो चलो भाई उतरो उतरो, आराम से चलो। ए पदु, अभी तक सीनू की बाइक नहीं लौटाई? उसने अब तक पैसे कहाँ लौटाए? आजा आजा बेटा। हाय पापा। ठीक है ना? अब ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे नजर उतारने दे, उसके बाद ही घर के अंदर आना। अरे ना जल्दी करो। स्टार्ट। इसकी नजर, उसकी नजर, चंडीगढ़ की नजर, हैदराबाद की नजर, परसों शादी में किसी गांव गया था ना, मसूरी की नजर, सारी नजर उतर जाए। थू 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 थू, लो फेंक दो इसे। हाँ आराम से आराम। आओ आओ आओ। वासु क्या हो गया तुम? क्या हुआ? थोड़ा काला हो गया है, दुबला हो गया है, खाना ठीक से नहीं खा रहा। तुझे काम के अलावा कुछ और सोचता ही नहीं ना? यही डायलॉग मारने वाली थी ना? माँ मुझे देखकर बहुत दिन हो गए हैं इसीलिए ऐसा लग रहा है। मैं सांवला नहीं हुआ हूँ, दुबला नहीं हुआ हूँ। तू भी यही कहने वाला था ना? चल। वासु वासु मेरे आने तक कुछ मत खाना हो। क्यों? क्योंकि मैं कुछ लेकर आ रही हूँ। ओके। तेरे वासु को पसंद है इसीलिए मक्खन बनाने को कहा ना। आज अपने दिल की बात तू वासु को बता ही देना। आज ही का तो इंतजार था मुझे। मैं आप सबसे एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। कौन है वो लड़की? कौन सी लड़की जी? अगर इस उम्र का लड़का सारी फैमिली को बुलाकर ये कह रहा है कि आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है तब तो वो जरूर लव मैटर ही होगा। क्यों रे? सच में? अरे माँ मैं बताता हूँ ना, आ जा बैठो। पापा सही कह रहे हैं, उस लड़की का नाम श्री है, उसके पिता का नाम आरके है, हैदराबाद में बड़ा बिजनेसमैन है। ये सारी बातें आपको कैसे पता? मेरे पोते ने मुझे कब से बता दिया। अरे तो फिर हमें क्यों नहीं बताया? वो खुद तुम सबको बताना चाहता था ना। मुझे श्री पसंद है और उसे भी मैं बहुत पसंद हूँ। हम दोनों प्यार तो करते हैं लेकिन शादी आपकी इजाजत से करेंगे, इसीलिए मैंने उसके पापा से बात कर ली है और वो मान भी गए। तूने प्यार किया है तो वो लड़की खुशकिस्मत होगी। तुझे दामाद बनाने वाला इंसान बहुत हिम्मत वाला है। बुला लो, बात करते हैं। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। कहा था ना घर में कोई भी तेरी बात से इनकार नहीं करेगा। ए पदु, वासु श्री नाम की लड़की से प्यार करता है। हाँ सुना मैंने। तूने एक सुनहरा मौका गवा दिया ना, कितना समझाया था ना, अब देख अभी भी उसी टॉपिक पर बात कर रही है। तेरे हाथ में क्या है? वासु को मक्खन पसंद है ना, वही लाई हूँ। इसकी सारी पसंद नापसंद पता है तुझे, सही वक्त पर लेकर आई। आजा इसका मुंह मीठा कर दे। कॉन्ग्रेट्स वासु।
थैंक यू पद्दू। अंकल हाय। मेरे पिताजी नमस्ते। नमस्ते श्री और नमस्ते उसकी नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। आइए ना आइए। चलिए पैर धो लीजिए। बाहर से घर के अंदर जाने से पहले पैर धोना हमारी परंपरा है। सो प्लीज धुलाओ। ये हमारे पुरखों का घर है, उनकी यादों को संजो कर रखने के लिए हम यहीं रह रहे हैं। आइए मेरी माँ। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। मेरी पत्नी, मेरी बहन, भांजी। हाँ हाँ मैं समझ गया, जॉइंट फैमिली है, बड़ा परिवार है। नमस्कार जी। अब बैठिए। आइए। I need to check the house, mom. क्या हुआ? कोई बात हो गई क्या? काव्या एक बार घर देखना चाहती है। पद्दू हाँ जरा इन्हें घर दिखा दे। ठीक है दिखाती हूँ, आइए ना। मेरी कुछ इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, सो फॉर्मेलिटीज फिनिश कर लेंगे तो मैं निकल जाऊंगा। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक्सपेक्ट कर रहे हैं मतलब? एक्सपेक्टेशंस का मतलब पहले डाउरी कहते थे, अब फॉर्मेलिटीज कहते हैं। बताइए क्या चाहिए। मैं श्री से पैसों के लिए प्यार नहीं करता। यहां भी आप बिजनेसमैन की तरह ही बात कर रहे हैं। हम कुछ एक्सपेक्ट करके शादी के लिए तैयार नहीं हुए। मेरा बेटा चाहता है इसलिए तैयार हुए। मैं भी मेरी बेटी चाहती थी इसीलिए शादी के लिए मान गया। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। हर बात पहले से ही क्लैरिटी के साथ करना मेरी आदत है। हाँ ये भी एक तरह से सही है। आपकी वैसे भी दो ही बेटियां हैं, ज्यादा दिन को ही मिलने वाली है, अब उसमें आधा तो इसी का है ना। सिंपल। तुमसे पर्सनली बात करनी है। यहां हमारे घर में जो भी हो सब मिलकर बात करते हैं, पर मुझे इससे पर्सनली बात करनी है। आइए अंकल। अगर तुम्हें यह शादी करनी है तो इस पर साइन करने होंगे। क्या ही है? प्री मैरिटल एग्रीमेंट। विदेश में बहुत सालों से है, हमारे देश में मेरे जैसे लोग कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर शादी के बाद मेरी बेटी तुम्हारे साथ एडजस्ट नहीं कर पाई और अगर वो डिवोर्स चाहती है तो तुम्हें उस वक्त उसे डिवोर्स देना पड़ेगा। अगर आपको हमारे प्यार पर यकीन नहीं तो शादी के लिए हाँ क्यों की? यकीन अलग है, सच्चाई अलग है। बाहर तुम्हारे पिताजी ने सही कहा, मैं हर बात बिजनेसमैन की तरह सोचता हूं। कोई भी बिजनेस हो एंट्री में ही एग्जिट के बारे में सोच लेता हूं। यही बात मेरी बेटी की जिंदगी। आपको लगता है हमारी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल नहीं होगी? मे बी। तुम मेरी बेटी को खुश रखो तो भी प्रॉब्लम्स दूसरी तरफ से आ सकती है ना। सो मुझे सतर्क रहना पड़ेगा। मतलब हमारे प्यार से ज्यादा आपको इन पेपर्स पर भरोसा है?
इस दुनिया में इंसानों को छोड़ कागजों पर भरोसा करना शुरू हुए कई साल हो चुके हैं। अगर मेरी बेटी और तुम अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहते हो तो इन पेपर्स की कोई वैल्यू नहीं है। इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। अगर तुम्हें अपने प्यार पर इतना ही भरोसा है तो तुम्हें साइन करने में क्या प्रॉब्लम है? ओके okay. रुक क्यों गए? हिम्मत नहीं हो रही है? हिम्मत तो बहुत है अंकल। Then sign it. I will. आपको पेपर्स पर भरोसा है और मुझे जुबान पर। अगर आप एक वादा करें तो साइन कर दूंगा। शादी में दुल्हन के पिता के तौर पर जहां भी आपकी जरूरत हो आप हाजिर होंगे। जो काम आपका है वो हर एक काम आप ही करेंगे। अगर आप मुझसे ये वादा करें तो मैं साइन कर दूंगा। मेरी बेटी की शादी होगी और मैं नहीं रहूंगा। ओके, तुम जहां जहां कहोगे मैं हर जगह मौजूद रहूंगा। डू यू नीड एन एग्रीमेंट? नहीं अंकल, आपकी जुबान काफी है। ये लीजिए। बाय द वे, ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। ओके अंकल। चलिए। क्यों रे, शादी से पहले लड़का और लड़की कमरे में जाकर अकेले बात करते हैं। तू अपने ससुर से इतनी देर क्या बात कर रहा था? कुछ नहीं अंकल, इन्हें शादी के बारे में थोड़े डाउट्स थे, वो मैंने क्लियर कर दिए। तो अब आपको मंजूर है? या ओके। मुझे एक बात करनी थी। आप लड़की वाले हैं, जहां आप चाहेंगे वहीं शादी होगी, लेकिन मेरे पोते की शादी मेरी आंखों के सामने इसी घर में हो, ऐसी मेरी इच्छा है। ओके ओके। इस हैप्पी मोमेंट में सबकी एक फोटो हो जाए, क्यों? हाँ, उसमें क्या है, ले लेते हैं। आ जा बेटा, आ जा। आइए। पहला निवाला तेरा। इसे ही पहले मिलता है हमेशा। खेलो मत ना, ऐसे दादी माँ, अब मुझे खिलाइए। आइए, रुक जा, तो नहीं खिला रही है। जरा सुन तो, क्या सोचा फिर? किस बारे में माँ? क्या किस बारे में? अपने वासु की शादी के बारे में। क्या करना है, कैसे करना है, सोचना तो पड़ेगा। आजकल शादी के बारे में क्या सोचना, सब कुछ बस अपने आप हो जाता है। अपने आप कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानती, शादी शादी की तरह ही होनी चाहिए, फंक्शन की तरह नहीं। पत्तों का मंडप, ढोल बजना, सही खाना, सब कुछ परंपरा के अनुसार होना चाहिए। आजकल ये सब कहाँ है, दिन बदल चुके हैं। दिन बदल सकते हैं लेकिन परंपराएं नहीं बदलती। जब हम पैदा होते हैं सब खुश होते हैं, लेकिन वो हमें नहीं पता होता। जब हम मरते हैं तो सब दुखी होते हैं, ये भी हमें नहीं पता होता। जो हमें पता होता है वो हमारी खुशी को बांटता है, और शादी ऐसा ही मौका होती है। तो ये कितनी अच्छी होनी चाहिए, इस बात को तो मानते हो ना तुम लोग? ठीक है माँ, ये शादी आप जिस तरह से चाहती हैं वैसी ही होगी। बड़ी अच्छी बात है, ये ले। Can I say something? Yeah. वासु इज नॉट करेक्ट फॉर यू। वो फैमिली, उस विलेज का एटमोसफियर तुम्हारे लिए सही नहीं है। उनकी लाइफस्टाइल अलग है और हमारी आदतें अलग हैं, उनकी आदतें अलग हैं। तुम वहाँ बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पाओगी। अगर यह एडजस्ट हो गई तो वहाँ भी हो ही जाऊंगी। श्री बहुत खुश है, और मुझे भी वासु की फैमिली बहुत अच्छी लगी। मतलब आज भी वो सब मिलकर एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। ऐसे परिवार में हमारी श्री की शादी होना बहुत खुशी की बात है। हमारी श्री वहाँ बहुत खुश रहेगी। हेलो समधी जी, आप कैसे हैं? hey, किसका समधी? समधी जी, मैं रामराज बोल रहा हूँ, सखनी टेपिल्ले से। ओ कहिए।
हमारे पंडित जी से हमने बात की है, उन्होंने कहा है सगाई के लिए अगले शुक्रवार का मुहूर्त शुभ रहेगा। घर के लोग भी तभी करने को कह रहे हैं। आप बिना बात के ऐसे ही सगाई रख लेंगे क्या? मेरे टाइम की कोई वैल्यू नहीं है? मुझसे पूछा था आपने, हद हो गई। प्लीज शांत। मैं शेड्यूल चेक करके आपको फोन करता हूँ। अपनी मर्जी चला रहे हैं? क्या कहा उन्होंने? शेड्यूल देखकर बताएंगे। अरे हमने ट्रेन का टाइम थोड़ी शादी का मुहूर्त पूछा है। हाँ समझी जी। उस दिन मेरा 4 to 5 का टाइम फ्री है, तब रख लीजिए। हाँ पंडित जी ने कहा है पूरा दिन शुभ है, आप जब कहें तभी रख लेंगे। रखता हूँ जी। माँ शुक्रवार के लिए मान गए हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। आइए ना। और समधी जी? ऑफिस से वो निकल गए हैं, आते ही होंगे। अरे बेटी की सगाई में स्वागत के लिए खड़े होना चाहिए तो अभी तक ऑफिस में ही है। लगता है शादी में फेरे के समय पहुंचेंगे यहाँ। आप आइए ना। वहां क्यों रुक गए? आइए ना। पहली बार इस घर में शुभ काम के लिए आ रहे हैं तो पैर धोकर आते तो। सुनो पानी लेकर आओ। क्या देख रहा है, यहाँ हमारी तरह लोटे में पानी नहीं देते, पाइप से देते हैं। यहाँ का यही कल्चर होगा भाई, पैर धो लो, लाओ। मेरी होने वाली बहू कहाँ है? मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। ओके सर। समधी जी बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज, हैव अ सीट। कहिए पंडित जी क्या करना है मुझे, पर जरा जल्दी। यजमान शास्त्रों के अनुसार जो करते हैं उसके लिए वक्त नहीं देखते, ऊपर से सगाई है, समाज इसे आधी शादी मानती है। इस पोशाक में रीति रिवाज शुभ नहीं माना जाएगा, धोती पहनकर आ जाए। क्यों, अगर बिना धोती पहने शगुन दे देंगे तो अशुभ होगा? शास्त्र के अनुसार चले तो अच्छा है समधी जी, अपने कंफर्ट के लिए परंपरा तो नहीं बदल सकते ना। मैं 1 मिनट में आइए। गणपति विघ्नराजो लंबतुंडो गजाननः द्वयमातुरश्च हेरम्ब एकदंतो गणाधिपः विनायकः चारुकर्णः पशुपालो भवात्मजः द्वादश एतानि नमानि प्रातः उत्थाय य पठेत विश्वं तस्य भवेद अवश्यं न च विघ्नं भवेत क्वचित विघ्नेश्वराय वरदाय शुभप्रियाय लंबोदराय विकटाय गजाननाय। शगुन का आदान प्रदान कीजिए। ब्रह्मा मुरारे स्त्री पुरांतकारी भानु शशि भूमि सुत बुद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु के। दोनों हाथों से लीजिए जी। पंडित जी अब आप अच्छा सा मुहूर्त देख लीजिए। गोदावरी सरस्वती। यजमान अगले महीने में 9 तारीख को अत्यंत ही शुभ मुहूर्त है, वर्षों बाद ऐसा योग बन रहा है। सिर्फ 15 दिन? वेल इट्स ओके फॉर मी। शादी से एक दिन पहले जाएंगे चलेगा? बिल्कुल नहीं। शादी के एक दिन पहले कैसे चलेगा? शादी के कितने काम होते हैं? कितने काम होते हैं? आज की सगाई से लेकर विघ्नहर्ता का दान, पत्रिका का लेन देन, दूल्हा बनाना, धोती बनाना, हल्दी, काशी यात्रा, वर पूजा, गौरी व्रत, मंगल स्नान, बाद में कन्यावरण होता है, मधुपरक होता है और दूसरी भी चीजें तरह की रस्में होती है ना, इसीलिए। हाय श्री। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। इतना थैंक्स किस लिए? सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे कहने हैं।
मेरी सच को छुपाने के बावजूद मुझे समझकर मुझे चाहने के लिए थैंक्स। पापा से हमारे बारे में बात करने के लिए थैंक्स। तुम्हारे घर वालों को कन्विंस करने के लिए एक और थैंक्स। और अरे बस 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 इतना काफी है। काफी नहीं है, तुम यहाँ नहीं हो लेकिन तुम्हें जोर से हक करने का मन कर रहा है। अरे यार इतना अच्छा चांस गवा दिया ना। ठीक है नेक्स्ट टाइम आऊंगा ना तो दे देना। हाँ हाँ दे दूंगी, लेकिन एक बात मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लगी। वो क्या? हम दोनों ऐसे प्यार करके अब शादी कर रहे हैं पर हमने फर्स्ट लव में आने वाली वो फीलिंग मिस कर दी वासु। ऐसा क्यों सोच रही हो श्री? आज से लेकर हमारी शादी के दिन तक हमारे प्यार को हर दिन और हर पल महसूस करती रहो, फिर देखना। खामोश बातें करे तब सजना मेरे नैना, हाँ अनजाने सपने बोले, मीठी नजर का प्यार कहे हर पल दिल का साथ रहे, कहे ना जुबान से फिर भी सुने और पल गुजरे यूं प्यार से। बिछड़े ना बिछड़े ना ये लम्हे कभी अपने प्यार के, बिछड़े ना बिछड़े ना हाँ तुमसे तो हम कभी, बिछड़े ना ये लम्हे कभी अपने प्यार के, बिछड़े ना हाँ तुमसे तो हम कभी। शादी का मंडप यहाँ लगाया जाए? अच्छा अच्छा फूल गेट तक लगाए जाएंगे और लाइटिंग सारे गांव में लगेगी। ठीक है हो जाएगा ठीक है। ये सारा गांव यहाँ आ गया? लड़के की शादी है ना? हाँ। अरे शादी में कितने काम होते हैं, हम सब मिलकर आपका हाथ बटाएंगे ना। आप लोग ये सब मेहनत क्यों करेंगे? क्या जी गांव में शादी है और हम लोग मदद नहीं करेंगे कैसे हो सकता है? ऐसे में हम आपके घर की शादी में शामिल क्यों नहीं होंगे? नारियल के पत्ते मेरे खेत से मंगवा दूंगा और घर पर मंडप फूल हम सजवा देंगे। जब कोई पूछता था कि रामराज आखिर तुम्हारे पास है क्या, तो कहता था मेरे पीछे मेरा गांव है। आज मेरा गांव मेरे पीछे नहीं मेरे आगे है। अगर आप अच्छे हैं तो ये जरूरी नहीं कि आप पैसे कमा सकें, लेकिन आप अपने आसपास चार लोगों को जरूर कमाते हैं। जी ठीक है, पंडित जी को बुलाकर जैसा आपने कहा वैसे ही पूजा करवाऊंगी। लड़का ऑफिस के कामों में बिजी हो सकता है लेकिन पूजा तो दोनों को मिलकर ही करनी पड़ेगी, यही परंपरा है। हाँ बिल्कुल। सुनिए कल गणेश जी की पूजा करके शादी की तैयारियां शुरू करनी है। क्या शादी की तैयारियां शुरू कर रहे हैं? So nice. ठीक है जो करना है वो करो। वो पूजा हम दोनों को मिलकर करनी है, माँ जी ने खास फोन करके कहा है। उसे तुम अकेली करोगी या दोनों साथ मिलकर करेंगे कौन देखेगा? नहीं जी। शादी में दुल्हन के पिता के तौर पर जहाँ भी आपकी जरूरत हो आप हाजिर होंगे। जो काम आपका है वो हर एक काम आप ही करेंगे। अगर आप मुझसे ये वादा करें तो मैं साइन कर दूंगा। उसके लिए क्या अरेंज करना है बता दो। ये वासु जी का हिसाब हो गया, ये रघु जी का हिसाब हो गया, टोटल मिला के 17,000। अच्छा हाँ करेक्ट। सुनिए अंतरिक्ष भैया का नाम लिख दिया ना? हाँ हाँ लिख दिया। ये लीजिए। ए सुन तो। हाँ। अद्रेपुर भैया का नाम लिखा ना? उनके और हमारे बीच बातचीत बंद है ना?
बातचीत बंद है का क्या मतलब है? तू यहां नहीं था तो तुझे नहीं पता, हमारे बीच बातचीत काफी वक्त से बंद है। यह ऐसी बात नहीं है जिसे ठीक नहीं कर सकते। आप बस उन्हें शादी में बुलाकर तो देखिए, बातचीत फिर शुरू हो जाएगी। बुलाने पर भी वो नहीं आएंगे। नहीं आएंगे ये आप सोच रहे हैं, बुलाएंगे तो आ जाएंगे ये वो सोच रहे होंगे। बुलाकर तो देखिए, अगर आ गए तो सब खुश हो जाएंगे, नहीं आए तो आपकी बात सही, इसलिए आप खुश। क्या कहते हैं? कुछ भी करके कन्विंस कर ही देता है तू। चल ठीक है। दादी माँ उन्हें भी बुला रहे हैं, हैप्पी ना? बहुत। मैं पोता या पोती की शादी सिर्फ देखने के लिए नहीं करवा रही, शादी में रिश्तेदार आते हैं, दोस्त आते हैं, हमारे अपने लोग आते हैं। अगर मैं कहूँ देखना है तो सबको बुलाओ तो तुम कभी भी नहीं बुलाओगे और ना ही वो आएंगे यहाँ पर। अगर कहूँ कि घर में शादी है तो सब आएंगे, उन्हें देखकर हमारी 70 साल की जिंदगी दिखाई देती है। सुनिए पद्मावती जी कहाँ है? अब इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्ला रहा हूँ, बुला रहा हूँ। ये लीजिए आपके मामा जी के 25,000। उधार सिर्फ 25,000 रुपए नहीं है, 2,75,000 है। क्या 25,000 का ब्याज 2,75,000? वर्ल्ड बैंक वाले भी इतना ब्याज नहीं लेते हैं। वैसे इतने पैसे मैंने कब लिए? वही पोस्ट ऑफिस के सुब्बाराव से 30,000, रामालय के सुंदरम्मा से 20,000, चाय की टपरी पे चाचा के 10,000 और बोलिए। मैंने बाहर से उधार लिया, ये आपसे किसने कहा? गांव में जिसे भी जो भी प्रॉब्लम होती है मामा जी के पास आते हैं, तो मैं उधार देने वाले भी यहाँ आकर गए हैं। उनसे पहले हम पैसा ले लें अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए सारा पैसा देने के बाद बाइक ले जाना। जी आप कौन है? हाय, दिस इज अजय, इवेंट मैनेजर। आरके जी ने अपनी बेटी की शादी के लिए भेजा है। अच्छा। दिस इज चिंटू, सिक्योरिटी विंग संभालता है। दिस इज रवि, डाइनिंग विंग संभालता है। इसे ओपन कर दूं सर? क्या क्या ओपन कर दूं? मैं आपके सारे वर्क डिटेल्स लैपटॉप पर देखता हूं। ओह आई सी। हैदराबाद में सारी सेलिब्रिटी मैरिजेस, मतलब पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार्स, बिजनेस मैग्नेट्स, सबके घर की शादियां मैं ही मैनेज करता हूं। ये शादी भी ऐसे मैनेज करूंगा कि हिस्ट्री में याद। जरूरत नहीं है, वैसे भी वासु की शादी का काम संभालने के लिए ऑलरेडी 100 इवेंट मैनेजर्स हैं। 100 इवेंट मैनेजर सर? किधर? वहाँ देखिए। वही हमारे रिश्तेदार गांव वाले हैं, शादी का सारा काम वही करेंगे। तो हम क्या करेंगे? अभी के लिए रेस्ट कर सकते हैं। अरे वीर भैया, इनके रहने के लिए रूम दिखा दीजिए। हाँ आइए। ओके। रिडिकुलस, अजीब। अरे लगेज लेकर आ रहे। सुनिए, उन्हें बाद में देख लेना, अभी का अभी इतना कर्जा चुकाना मुझसे नहीं होगा। मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरी बाइक मुझे मिल जाए? ठीक है, अब से उन्हें क्या चाहिए ये तुम्हें देखना होगा, और तुम्हारी बाइक का क्या करना है मैं देखूंगी, ठीक है ना? ठीक है। सर लगता है यहाँ कोई काम नहीं है। मुझ जैसे क्रिएटर के पास हमेशा काम होता है। अभी मुझे एक ब्यूटीफुल थॉट आया है। क्या थॉट आया? डेस्टिनेशन वेडिंग इन विलेज। मतलब इन विलेज मैरिजेस में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सब डिटेल में फोटो लेना। ओके। नानी बीपी टैबलेट। मेरे पोते की शादी है, इस खुशी में मेरा बीपी शुगर सब नॉर्मल हो गया है। तुम नहीं मानोगी, खुशी के साथ साथ दवाई ले लो, जल्दी ठीक हो जाओगी। अरे वाह, तुम क्या बोल रही हो, ले लो दो इसे। भैया पत्रिका आ गई है। हाँ, ये लीजिए। बद्दू देख लो सब ठीक है कि नहीं। सब कुछ ठीक है मामा जी। माँ ये पहला कार्ड ले जाकर भगवान के सामने रख दो, दूसरा कार्ड तो वैसे भी हमें लड़की वालों को देना है ना। वैसे भी शादी के कपड़े लेने जाना ही है ना, श्री को ये कार्ड देकर उन्हें शॉपिंग के लिए लेकर चलेंगे। शॉपिंग के लिए जाना है, मैं भी चलूंगी। माँ लेडीज सेक्शन उधर है, आप सब वहाँ जाइए। और जेंट्स चलो चलो। अरे क्या कर रही हो? अगर कुछ ट्राई करना हो तो ट्रायल रूम में ही आते हैं ना। क्या ट्राई करोगी तुम? किस? क्यों? लड़कों को ही लड़कियों पर प्यार आता है, हमें नहीं आता, हम नहीं कर सकते।
जितनी शरीफ दिखती हो उतनी हो नहीं। तुमने कहा था कि तुम किसी से कुछ लेते हो तो उसे जल्दी ही लौटा देते हो। दे तो दूंगा, लेकिन ट्रायल रूम में आकर किस लौटाना थोड़ा सा। वासु कहाँ हो तुम? यही हूँ ट्रायल रूम में। ठीक है, जल्दी बाहर आओ, बुआ बुला रही हैं। आ रहा हूँ। ये डिजाइन अलग है ना? इसका कलर अच्छा है। हाँ माँ, तुमने बुलाया था। श्री, बहू के लिए साड़ी सिलेक्ट कर दे। ये कैसी है? मैं क्यों सिलेक्ट करूंगा, ये आ गई है ना, खुद सिलेक्ट कर लेगी। पदु तू जरा वहाँ जाकर बैठ जा। आओ बेटी। ये कैसी लगी? आओ बैठो। अच्छी है। अच्छा, शादी में रिश्तेदारों को भी साड़ियाँ देनी होती है, वो भी अभी ही ले लेते हैं ना? हाँ ठीक है माँ जी। हमारे रिश्तेदार कम से कम 25-30 होंगे, उनके लिए 10,000 में हो जाएगा और बाकियों के लिए 2-3,000 में हो जाएगा। चाची मुझे एक डाउट है। बोलो वासु। जो शादी में आएंगे वो मुझे और श्री को एक जैसा आशीर्वाद देंगे या फर्क होगा? शह ये क्या बोल रहे हो, आशीर्वाद तो एक जैसा ही होता है ना। जब वो आशीर्वाद देने में फर्क नहीं करेंगे तो तोहफा देने में हम फर्क क्यों करें? वो हमारे मेहमान है, सबका दर्जा एक है, अगर हम ही उनमें फर्क करने लगे तो ये तो गलत होगा ना चाची। उन्हें कुछ ना दें तो भी चलेगा, लेकिन कम देकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहिए। शादी के न्योते में फर्क, खाने में फर्क, तोहफा देने में फर्क, ये नहीं करेंगे, सबको एक जैसा ही देंगे। बहुत अच्छी बात कही बेटा। जीजू हाँ? कितनी जोड़ी ले रहे हो? 25 जोड़ियां। 25 जोड़ी? हाँ, तेरी दीदी दिन भर में 3 साड़ियां तो बदलती है, अब घर में शादी है तो हर घंटे बदलेगी ना। मैं उसका पति हूँ तो मुझे भी उसके जैसे लगना चाहिए। हाँ ले लो जीजू। बहन जी। हाँ भैया। वो अब तक यहाँ आए नहीं? किसी मीटिंग में होंगे, वो आ जाएंगे। शादी के कपड़े खरीदते वक्त अगर सब साथ होते तो अच्छा होता। चाहती तो मैं भी यही हूँ, आ जाएंगे वो। 5,000 crores इज अ डील एंड बेंज ऑन इज या हेलो सर, मीटिंग में है बेटा। और हम यहाँ वेटिंग में हैं, जाकर सर को फोन दो। द वे वी आर गोइंग। सर वासु जी का फोन। जस्ट अ मिनट। हेलो। शॉपिंग छोड़कर मीटिंग कर रहे हैं आप? इट्स अ 5,000 crore मीटिंग। हाँ तो क्या हुआ? मतलब ये इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर मैं तुम्हें वहाँ साड़ी सूट दिलवाने आऊँ क्या? करना पड़ेगा ससुर जी, परंपरा के अनुसार दुल्हन के माता पिता के साथ ही दूल्हे के कपड़े खरीदे जाते हैं, तो खरीद दीजिए। अपनी बकवास बंद करो। टाइम इज मनी, टाइम इज प्रॉपर्टी टू मी। टाइम को मैं ऐसी छोटी बातों के लिए वेस्ट नहीं करता। ये डील हो जाएगी तो आपका बैंक बैलेंस थोड़ा बढ़ जाएगा, आपकी कंपनी को एक और प्रोजेक्ट मिल जाएगा, यही ना? श्री ने बताया था कि आप हमेशा कहते हैं जबान देना बिजनेस स्टार्ट करने जैसा होता है, उस पर खरा उतरना बिजनेस सक्सेसफुल करने जैसा। आप तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है ना, तो आपको जबान की वैल्यू मैं क्या समझाऊं? मुझे अच्छा ये पसंद है, देखा। हाँ, ये ले लो ना फिर। हाय ससुर जी। तुमने आने के लिए कहा, आ गया। कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट में हो जाएगा। सिलेक्शन में थोड़ा वक्त लग जाएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। एक्चुअली सासू माँ कंफ्यूज हो रही हैं कि कौन सी साड़ी खरीदें, तो आप जाकर उनकी मदद कर दीजिए, जाइए ना। हाँ लक्ष्मी, टेल मी। सुनिए, इन साड़ियों में से कौन सी अच्छी है? प्लीज दिस, या टेक दिस। थैंक यू। या ये वाला गांव के चाचा को देकर आखिरी वाला दादाजी को देने जाएंगे। ठीक है अंकल।
क्या भैया अकेले अकेले खेल रहे हो? अरे मैं अकेले नहीं खेल रहा, पोस्ट ऑफिस वाले सुब्बा राव भी मेरे साथ खेल रहे हैं। सुब्बा? सुब्बा राव कहाँ है? ये देखो ये रहे। कहाँ है? स्काइप पर। अरे तेरे पत्ते कहाँ हैं? वो वहाँ पत्ते लेते हैं, मैं यहाँ पत्ते लेता हूँ। जो जीतता है उसे ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। ऐसी वीडियो कॉलिंग तो आप ही कर सकते हैं। सुनो रिश्तेदार आए हैं, उनके जाने के बाद ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। चाचा। हाँ बोल। शादी में आना होगा। हाँ, जरूर आऊंगा। याद रखना। हाँ। और सिर्फ आप दोनों ही नहीं पूरी फैमिली को लेकर आइए। ठीक है बेटा, चार दिन पहले आकर शादी के काम पास रहकर करवाएंगे। ये बढ़िया ना बात। मतलब शादी में सबको बुला रहे हो? सोचा था हमें नहीं बुलाओगे। आपको बुलाए बिना कैसे चलेगा दादाजी? सुना है तुम्हारे ससुर जी बहुत अमीर है, दहेज कितना मिल रहा है? आप तो जानती हैं बुआ, पापा को सिर्फ देना आता है, किसी से लेना नहीं। सुधा ने खास कहा है कि आपको शादी में जरूर आना होगा। तुम्हारी दादी तो चाहेगी ही आए, लेकिन बाकी लोगों को भी तो अच्छा लगना चाहिए हमारा आना। क्यों नहीं लगेगा दादाजी, कभी बाढ़ आ जाए तो भी हम खेतों की फसल को बचाने की कोशिश करते हैं, और ये तो जिंदगी भर चलने वाला एक रिश्ता है, ऐसे कैसे छोड़ देंगे। दादाजी आप आएंगे ना? ए, घर तक बुलाने आया है तो क्यों नहीं आऊंगा, शादी के एक हफ्ते पहले ही आ जाऊंगा। ठीक है ठीक है दादाजी, चलते हैं मामा जी। आजा आजा। ये नहीं पकड़ पाए। हाय पद्दू, फाइन, तुम कैसी हो? आई एम गुड। हाय प्रवीण, पहले इनसे तो मिल लो। ये सब हमारे ऑफिस कलीग्स हैं, ये अक्षरा, प्रियंका, राजेश। चलो चलो अंदर चलो। चलो चलो आ जाओ आ जाओ। शांति, अभी वासु के घर पर आया हूँ, देखो कितना अच्छा माहौल है, सभी लोग आए हैं। जानती हूँ गाँव में हो, अगर कोई ऐसी वैसी हरकत की ना तो चमड़ी निकाल दूंगी, याद रखना। ठीक है, बाद में करूँ? जरूरत नहीं है, मैं करूंगी तुम आंसर करना। अच्छा ठीक है। ए वासु। हाँ यार शांति दी। वासु। ए हेलो। शादी का नूर फेस पर और हाउस पर दोनों पे नजर आ रहा है। आ गए हो ना, आप धमाल भी करेंगे। चलो। ए वासु, पहली बार गांव की शादी देख रहे हैं, ये एक्सपीरियंस हमेशा याद रहना चाहिए। डन। कद्दू की दाल है क्या? एक कद्दू दूसरे कद्दू को नहीं खा सकता। जानकी कद्दू की दाल लेकर आओ जरा। मॉर्निंग सही हो रही, सारी एक्टिविटीज की फोटोज ली? या सब लिए। okay. सर स्वीटी ओपन कर दूं? सर कर दूं, सारी फोटोज अपलोड okay, करो sir. तुमने क्या किया रवि? सुबह से जो जो खाया है हर रेसिपी की लिस्ट बनाई है। गुड, शादी तक कोई भी फोटो मिस नहीं होनी चाहिए। ओके सर। ओके सुन गणेश। हाँ? जानता है शादी से पहले ऐसे हरे पत्ते क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? क्योंकि शादी से पहले जीवन ऐसे ही हरा रहता है। और पता है कुछ दिन बाद सारे पत्तों का क्या होता है? सूख जाते हैं। लड़के की लाइफ भी ऐसे ही होती है। अब ए, यहाँ मेरी शादी हो रही है, दादी ने तेरी बातें सुनी ना तो हड्डियां तोड़ देंगी। श्री बोलो ना। क्या कर रहे हो वासु, बहुत बिजी हो क्या? हाँ बिल्कुल। हमारी शादी की तैयारियाँ कितनी हुई है दिखाओ मुझे। कौन कौन आया है वो भी दिखाता हूँ। हमारे फ्रेंड्स। हाय। ओह तुम सब आ गए, कब का, तुम्हारी कमी है, जल्दी आओ। देखो शादी की तैयारियां हो गई हैं और मंडप यहाँ लगने वाला है, सारे अंकल लोग पत्ते खेल रहे हैं। शादी की सारी धूमधाम तो वहीं दिखाई दे रही है, मुझे भी आने का बहुत मन है। हम वहाँ कब आ सकते हैं? अपनी दादी से पूछकर बताओ ना। वन मिनट। दादी दादी, श्री को कब तक आना होगा? अब कब आना है इसका क्या मतलब हुआ? शादी में अब एक ही हफ्ता बचा है ना, कल ही अच्छा मुहूर्त देखकर निकलने के लिए कह दो, लड़की वाले हैं उन्हें यहाँ बहुत काम होते हैं। सुना ना, कल ही निकल कर आ जाओ। आर यू मैड श्री, शादी में अभी एक हफ्ता है, कल ही हम वहाँ जाकर करेंगे क्या? वासु की दादी ने कहा कि शादी में बहुत काम होते हैं। उन लोगों के पास सिर्फ शादी ही है, मेरे पास 100 काम है। आई एम रनिंग ए बिजनेस एम्पायर हियर। यू नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, शादी की बात करने उनके गाँव गए, शॉपिंग के लिए मॉल गया, सो जब भी बुला रहे हैं जा रहा हूं, सोच रहे हैं खाली हूं। लिसन, मैं शादी के एक दिन पहले ही जाऊंगा, कह दो उनसे। शादी के एक दिन पहले आने का क्या मतलब हुआ? एक हफ्ते में शादी रखकर फिर अचानक इतना जरूरी काम क्या आ गया उन्हें? जब तूने कहा कि श्री से तुम्हें शादी करनी है, पता है घर के सारे लोग क्यों मान गए?
क्योंकि सबको तुम पर भरोसा है। हमें लगा कि तुम सबके बारे में सोचते हो। हमारे और भी कितने सारे रिश्तेदार हैं, उनके बारे में भी तो सोचा होगा ना। तुम्हारी दादी ये शादी अपनी इच्छा के हिसाब से करना चाहती थी, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है उन सब से मेरा भरोसा टूट रहा है। कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं पापा। कोई प्रॉब्लम है तो बता दो बेटा। कह रहा हूं ना, कुछ नहीं है। जैसा दादी ने सोचा है शादी वैसे ही होगी। वो कल आ जाएंगे। It's not an ordinary marriage. It's a beautiful traditional marriage. So please come and bless us. Sure. Hi, Sasur ji. तुम यहाँ कैसे? आपसे मिलने घर आने वाला था, लेकिन आप घर से ज्यादा यहाँ रहते हैं, इसलिए यहाँ चला है। आप मीटिंग खत्म कर लीजिए, फिर मेरे गांव चलेंगे। मैंने कहा ना, नहीं हो पाएगा। आई एम इन बिटवीन ए हेक्टिक शेड्यूल। हाँ, मैं जानता हूँ ससुर जी। हेलो। हाय आर के, हाउ आर यू? आई एम फाइन। अगले फ्राइडे को तुम्हारी बेटी की शादी है। तुम्हारा दामाद आकर वेडिंग कार्ड देकर गया, और शादी से इम्पोर्टेंट मीटिंग नहीं है। हम मीटिंग शादी के बाद रख लेते हैं। या ओके बाय। हेलो। कांग्रेट्स मिस्टर आरके। वी विल डिस्कस आवर प्रोजेक्ट आफ्टर योर डॉटर्स मैरिज। ओके। आई विल मीट यू इन द मैरिज। ओके देन। थैंक यू। हेलो। तुम्हारी बेटी की शादी है ना? आई वोंट बी कमिंग, गॉड ब्लेस हर। अपने ससुर का शेड्यूल इसलिए मांगा था, तू मामूली इंसान नहीं हो। शादी के एक दिन पहले आने वाले थे, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा। सडनली इतने प्रोग्राम्स कैंसिल करना आपके लिए भी मुश्किल होगा ना, इसलिए सबसे बात करके मैंने पोस्टपोन कर दिया। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, कम सून। नमस्ते समधी जी। नमस्ते। आइए। या जीजू। हाँ। इन्हें अपने घर लेकर जाइए। हाँ। आप वहाँ उस घर में रहने वाले हैं। हे, पैर धोने के लिए पानी लेकर आओ। कम। नमस्ते। नमस्ते। आप इसी रूम में रहेंगी? बहुत अच्छा है। हम दोनों सेम एज के ही है ना, तो मुझे आप कह रही हो तो अजीब लग रहा है। कॉल मी श्री, मैं भी तुम्हें नाम से ही बुलाऊंगी। ठीक है। ये फोटोज किसकी हैं? मेरी और वासु की बचपन की फोटो है। ये फोटो? वासु और मेरी बचपन में शादी हो गई थी। शादी? वही गुड्डे गुड़िया की शादी। हाँ, श्री से कहो तैयार हो जाए, पंडित जी आ गए। हाँ। सुनिए, लड़की के पिता को प्रातः काल उठकर दूसरा कोई भी काम करने से पहले स्नान आदि करने के बाद शादी के कार्य करने होंगे। कैसे कार्य पंडित जी? खेत से लाई हुई पहली फसल को आपको मटकी में भरनी होगी, और अच्छत के चावल आपको ही धोकर सुखाने होंगे। वर और वधु के बीच पकड़ने वाले कपड़े पर हल्दी लगाकर बीच में ओम लिखना। जी। इतना ही नहीं, और भी कई काम होते हैं समधी जी। इन्हें ही नहीं, लड़के वालों को भी तो बहुत से काम होते हैं। सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ेगा सबको। ऐसे मत करो बेटा, खराब हो जाएगा। नहीं, दिखाइए ना। वाओ। हाय दादी। हाय बेटा। क्यों दादी, 70 साल की जिंदगी दिखाई दे रही है ना? दिखाई दे रही है, जानता है इन सबको देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। तुम्हारा क्या है, तुमने जिंदगी अच्छी तरह बिता दी। मेरी जिंदगी मुझे भी अच्छी तरह बितानी है। मतलब बताता हूँ। माँ पापा, ससुर जी, सासू माँ, सब सुनिए। श्री जरा यहाँ आना। आप में से कईयों ने मैरिड लाइफ देख ली है,
हम अब देखने वाले हैं। सो शादी के बारे में, शादी के बाद होने वाले चेंजेस के बारे में हम आप सबसे सुनना चाहते हैं। अभी वो सब किस लिए यार? जरूरी है चाचू, आजकल कई लोग शादियों में जाते हैं, वहाँ के सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट भी करते हैं, लेकिन घर आने के बाद कुछ याद ही नहीं रहता। शादी में गए ऐसा लगता ही नहीं है। बचपन में दादी माँ ने बताया था, शादी का मतलब त्योहार है, और अगर ऐसी शादी हो तो जिंदगी भर याद रहती है। मैं अपने कई शादीशुदा दोस्तों और कलीग्स को देख रहा हूं, कोई पत्नी से डरता है, किसी को पति पर गुस्सा है, ईगो और छोटी छोटी बातों पर बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। इसीलिए आपकी यादें, आपके एक्सपीरियंसेस हमें बताएंगे कि शादी के बाद खुश रहने का राज क्या है। दादी माँ आप शुरू कीजिए। अरे ऐसे अचानक पूछेगा तो कैसे? पूछ लिया ना, स्टार्ट कीजिए। तेरे दादाजी कहा करते थे, हमारे पैदा होने के बाद जिस तरह हम माँ बाप को देखा करते हैं, बच्चों के पैदा होने के बाद उसी तरह पत्नी को भी देखना चाहिए। अगर ये बात याद रखोगी तो शादी अच्छी रहेगी। इसे भी ऐसे ही देखना बेटा। नेक्स्ट मामा जी। हाँ। अब आप कहिए ना। मैं ठीक है। बेटी वो टैप दो। पति पत्नी के बीच का प्यार W जैसा होता है, नई नई शादी के बाद उनके बीच का प्यार पीक्स पर रहता है, बाद में बच्चों की वजह से करियर में सेटल होने के प्रोसेस में प्यार घटता जाता है, दोबारा जब बच्चे बड़े होकर अपने काम करते हुए लाइफ में वो सेटल हो जाते हैं तब उनके बीच में प्यार बढ़ता है, वहां से बच्चों की शादी उनकी जिंदगी सेटल करने तक प्यार थोड़ा घटता है। एक बार जब जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं, एक दूसरे का सहारा बनकर एक दूसरे के प्रति उनका प्यार फिर से बढ़ने लगता है और दोबारा पीक्स पर आ जाता है। मतलब पति पत्नी का प्यार पीक से शुरू होकर पीक में एंड होता है। बीच में आने वाले उतार चढ़ाव को छोड़कर एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हुए चलें तो उनकी जिंदगी खुशहाल होती है। हमारी तरह। कैसा लग रहा हूँ? फूफा जी अब आपकी बारी, बताइए। पत्नी जैसा कहे करते जाओ, लाइफ अच्छी रहेगी। हमारी अर्धांगिनी जो कहती है वैसा ही करता हूँ, इसलिए झगड़े नहीं होते। आपकी बातें भी मैं मानती हूँ ना, इसलिए हमारे भी झगड़े नहीं होते। ससुर जी आप बताइए ना। मैं हाँ बोलिए ना। मैं बोलती हूँ। ये कहेंगी। ओके बताइए। हर लड़की बचपन से लेकर एक उम्र तक अपनी सारी फीलिंग्स अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करती है, बाद में भाइयों के साथ, बहनों के साथ, और उसके बाद फ्रेंड्स के साथ, फिर कुलीग्स के साथ। हर एक स्टेज पर कोई ना कोई उसकी जिम्मेदारी लेता है, पर इन सबकी जिम्मेदारी एक साथ लेने वाला सिर्फ पति होता है। हम औरतों की छोटी छोटी खुशियां होती हैं वासु, घंटों मेहनत करके खाना बनाने के बाद पति बस एक बार कह दे कि ये खाना अच्छा है, वही हमारे लिए काफी है। जब श्री पैदा हुई थी, तुम्हारे ससुर जी ने उसे अपनी गोद में उठाया था और वो बहुत खुश हुए। उस दिन से लेकर आज तक मैं अपने सारे दर्द भूल गई। जानते हो, पति साथ चलकर कुछ खरीदवा दे तो पत्नियों को कितनी खुशी होती है। जब इन्होंने उस दिन दुकान में आकर मेरे लिए एक साड़ी सिलेक्ट की तो मैं बहुत खुश हुई थी। इतने सालों के हमारे रिश्ते में वो दूसरी बार था जब उन्होंने मेरे साथ रहकर मेरे लिए एक साड़ी खरीदी थी। पहली बार तब जब नई शादी हुई थी। कहते हैं कि औरतें कुछ छिपा नहीं सकती, लेकिन हम बहुत कुछ छुपाती हैं। बस अपने पति के प्यार के सिवाय। बाय। श्री बहुत खुशकिस्मत है कि वह तुम्हारी फैमिली में जा रही है।
डैड, डैड, मिनिस्टर जी के पीए ने कॉल किया था अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ, गिव मी सम टाइम प्लीज. पद्दू कहाँ है? पता नहीं, यहीं तो थी अभी. पद्दू को देखा क्या? नहीं, मैंने तो नहीं देखा. शादी में जरूर आना. ओके, बाय. सुनना, पद्दू दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गई होगी? यहीं गई होगी, क्यों टेंशन ले रही हो? मैं देख लेता हूँ, जाओ. आ रही हूँ. पद्दू, ए पद्दू, यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मुझसे नहीं हो रहा वासु, तुम्हारा मुझसे इस तरह दूर जाना, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा. मुझे तुम बहुत पसंद हो, सोचा था कि तुम जैसे ही आओगे वैसे ही तुम्हें अपने मन की बात बता दूंगी, लेकिन मेरे बताने से पहले तुमने अपने मन की बात घर वालों को बता दी. मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत सपने देखे तुमसे शादी करके इसी घर में रहने के, लेकिन इस घर में तो मेरी जगह श्री को तैयार किया जा रहा है. लग रहा है जैसे उसने मेरी जगह छीन ली है. शादी का मंडप तैयार करने पर, हॉल तैयार करने पर, इस शादी से रिलेटेड कोई भी काम करने पर ऐसा लग रहा है कि वो मेरे लिए होना चाहिए था. बचपन से ही नानी मुझसे ये बात कहती आ रही थी कि वासु ही तुम्हारा पति बनने वाला है. एक बार तुमसे भी कह देती कि पद्मावती तुम्हारी पत्नी बनेगी तो शायद तुम भी मुझे उस नजर से देखते, है ना वासु? लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा एक दोस्त ही माना है. मैं श्री से प्यार ना भी करता तो भी मैं तुमसे यही कहता. तुम मेरे बारे में सब जानती हो, तुम मुझे समझती हो, फिर भी तुम ऐसे. समझती हूँ वासु, इसलिए बात किसी को नहीं बताई मैंने, लेकिन आज जब तुमने पूछा तो खुद को रोक नहीं पाई और सब कह दिया. एक बात तो सच है वासु, अपनों से कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए. सही वक्त पर ना बताकर बाद में बताएं तो खुद को कभी दुख के सिवाय और कुछ नहीं मिलता है. ठीक है, तुम वो सब देख लो ना. मामा जी, सारा इंतजाम कर दिया. 200 लोग खाना एक साथ खा सकते हैं. ठीक है, हाँ. बस ये देख लो कि जो लोग आए हैं वो खुश हैं. किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. मिनिस्टर के पीए का बार बार फोन आ रहा है अपॉइंटमेंट. मैंने मिनिस्टर से बात करके प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया. उन्हें प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, मेल कर दो. यजमान कहिए. पंडित जी, आप यहाँ आकर बैठिए. जी, ऐसी ट्रेडिशनल शादी देखकर मुझे बहुत दिन हो गए. मैंने भी डेस्टिनेशन वेडिंग करवाई थी, लेकिन ये शादी देखकर 25-30 साल पुरानी शादी याद आ गई. आरके जी ने मुझसे कहा था कि शादी के लिए 5 दिन टाइम वेस्ट क्यों करना, और अपनी बेटी की शादी में सारे काम खुद कर रहे हैं वो. सर, या वेस्ट. आई जस्ट चेक इट. या थैंक्स.
शारदा हाँ? बाहर पंडित जी कब से दुल्हन को बुला रहे हैं? काफी देर हो गई, इसे लेकर चलते हैं। हाँ दीदी, आप वासु चलो बेटा, चल गाना गाए क्या? चल, चल, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी। अच्छा सुन, जब तू बड़ा हो जाएगा तेरी शादी भी ऐसे ही करवाऊंगी। जब तूने कहा कि श्री से तुम्हें शादी करनी है, पता है घर के सारे लोग क्यों मान गए? क्योंकि सबको तुम पर भरोसा है। बेटा इसको नीचे रख दो। भगो अर्यमा सविता पुरंधिर मह्याम त्वादो गार्य पत्याय देवा। बेटा अब ये अक्षत और फूल वहां चढ़ा दो। अक्षतम पुष्पम समर्पयामि। शादी का मंडप मंदिर जैसा होता है, यह अष्टदिक्पालक सप्तऋषि सब होते हैं। एक बात तो सच है वासु, अपनों से कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। सही वक्त पर ना बताकर बाद में बताएं तो खुद को कभी दुख के सिवाय और कुछ नहीं मिलता है। ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। जब तूने कहा कि श्री से तुम्हें शादी करनी है, पता है घर के सारे लोग क्यों मान गए? क्योंकि सबको तुम पर भरोसा है। अपनों से कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। सही वक्त पर ना बताकर बाद में बताएं तो खुद को कभी दुख के सिवाय और कुछ नहीं मिलता है। क्या हुआ वासु? ऐसे शादी के मंडप से उठकर नहीं जाते। बैठ जाओ। वासु खड़े क्यों हो? आपसे बात करनी है। हम शादी के बाद बात करेंगे ना, बैठकर पूजा करो। नहीं पापा, अभी बात करनी है। अगर अभी बात नहीं की तो आपका और श्री का गुनहगार बनकर जीना होगा। सॉरी ससुर जी, आपसे वादा किया था कि यह बात किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझसे अब रहा नहीं जाता। वहां बैठकर कुछ नहीं कर पा रहा हूं। कैसा वादा किया है बेटा? दादी मां, शादी से पहले ही श्री को तलाक देने वाले कुछ डिवोर्स पेपर्स पर इन्होंने साइन करवा लिए। शादी से पहले तलाक कैसा? उन्हें हमारे प्यार पर भरोसा नहीं है या इस शादी पर भरोसा नहीं है, मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा कि अगर शादी के लिए हां कहनी है तो मुझे दस्तखत करने होंगे, तो मैंने कर दिए। ये क्या बात हुई? हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे शादी के बाद मिलकर रहे, और आप हैं कि शादी के पहले ही। गलती उनकी नहीं है दादी, मेरी है। हमारे प्यार के बारे में सबको बताने वाला मैं इस अग्रीमेंट के बारे में किसी को नहीं बता पाया श्री, सॉरी। बचपन में बुआ की शादी में पंडित जी ने मंत्र पढ़ते हुए मुझे उनका मतलब समझाया। ध्रुवं ते राजा वरुणो ध्रुवं ते देवः बृहस्पतिः ध्रुवं ता इन्द्रश्चा दाहितो राष्ट्रं धारयताम ध्रुवम्। जब तुम्हारे सिर पर जीरा और गुड़ लगाते हैं तब ध्रुवं ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवं ता इन्द्रश्चा दाहितो राष्ट्रं धारयताम ध्रुवक्। ऐसा कहते हैं, मतलब अष्टदिक बालक को साक्षी मानकर वादा करना होगा कि हम दोनों साथ रहेंगे, लेकिन जो कागजात हमें अलग करेंगे उन पर दस्तखत करके मैं वहां बैठकर ये वादा कैसे कर सकता हूं श्री?
कन्यादान करते वक्त धर्मेच अर्थेच कामेच मोक्षेच नाति चरितव्य ऐसा कहते हैं। मतलब धर्म अर्थ काम में मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा, और इसके बाद नादचरामी कहते हैं, इसका मतलब है कि मुझे ये मंजूर है। तलाक के कागजात पर दस्तखत करके धोखा देने वाला वहां बैठकर नादचरामी कैसे कह सकता है? तुम्हारे गले में मंगलसूत्र डालते वक्त मांगल्यम तंतुनानेना मम जीवन हेतुना कंठे बदनाम सुमगे तुम जीवम सरदाम सुभम ऐसा कहते हैं। मतलब मेरे जिंदगी का कारण इस सूत्र से मंगल नाम का रिश्ता तुम्हारे गले में बांध रहा हूं। कब का उस रिश्ते को तोड़ने के लिए दस्तखत करने वाला वहां बैठकर अभी वो मंत्र पढ़ सकता है? श्री पहली गांठ बांधने के बाद पूषा द्वेत नयत हस्त गृह अश्विनो द्रव प्रवाह ताम्र देना गुमान कचा गृह पत्नी यथा सोवसी निवात ब्रुदतम अवदाभ्य। मतलब घर की मालकिन की तरह हुक्म चलाकर तुम हमें सुधारने के लिए हमारे घर आ जाओ, ये होता है। लेकिन तुम्हें अपने घर वापस भेजने वाले कागजात पर दस्तखत करने वाला तुम्हें घर बुलाने के लिए वहां बैठकर मंत्र कैसे पढ़ सकता है? श्री कैसे पढ़ सकता है? ऐसे एक या दो नहीं, वहां बैठकर जो हर एक मंत्र में पढ़ूंगा उसका मतलब है, जो हर एक काम में करूंगा उसकी पवित्रता है। इसीलिए मंडप में बैठकर इतने छोटे वादे में नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। श्री तुम हमेशा कहती थी ना कि शादी का मतलब त्योहार होता है, ऐसा त्योहार इतनी शर्तों पर इतनी गलतियों के साथ नहीं होना चाहिए दादी। नहीं, मैंने गलती की है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। वासु, गलती मैंने की है, तुम सॉरी मत कहो। काव्य, इस एग्रीमेंट के बारे में गलती मैंने की, आप सबको मुझे माफ करना होगा। हर बात को बिजनेस की तरह देखने वाला मैं हमेशा एंट्री में ही एग्जिट के बारे में सोचता हूं, और मेरे लिए यह रिश्ता करने से पहले, यहां यह सब कुछ देखने से पहले तक शादी एक इवेंट की तरह थी। मतलब हमारे घर की शादी या किसी और की, इट्स जस्ट एन इवेंट फॉर मी। ऐसी सोच रखने वाले मुझको जब रस्मों में बुलाया जा रहा था तो मुझे हंसी आ रही थी। लेकिन यहां इतनी रस्में होती हैं, एक जर्नी होती है, यह मुझे पता नहीं था। सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत लोग नहीं जानते। जब हमारे घर में शादियां होती हैं तो इवेंट मैनेजर्स को सौंप के हम निश्चिंत हो जाते हैं। किसी ने हमें शादी में बुलाया है, नहीं गए तो वो नाराज हो जाएंगे, इसलिए वहां जाकर फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करना है, इसलिए जाना पड़ेगा। अटेंडेंस डलवाना ही पता था मुझे। दूल्हा दुल्हन के साथ, घर वालों के साथ फोटो ले ली तो मतलब शादी में आ गए। हम जैसे लोगों को तो दिल से आशीर्वाद देने का मतलब भी नहीं पता। आशीर्वाद देने के लिए अक्षत देने पर उसे डालकर हाथों पर लगी हल्दी को साफ करने के लिए टिश्यू ढूंढने वाले मुझ जैसे लोगों को यहां आने के बाद समझ में आया कि उन अक्षत के पीछे चावल गीले करके उन्हें सुखाकर हल्दी से रंगने का मतलब पिता का प्यार है, जिम्मेदारी है, बेटी के साथ उसके रिश्ते का एहसास है। परसों जब यहां बहुत रिश्तेदार आ रहे थे तब समधी जी से मैंने पूछा, तब उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, अगर सबको अपना माने तो रिश्तेदार बहुत ज्यादा हैं, और अगर ना माने तो हम सब अकेले हैं। तब मुझे समझ में आया
कि मैंने अपने आप को सबसे कितना अलग कर रखा है। शादी की अहमियत जाने बिना मैंने अपनी बड़ी बेटी के साथ कितना अन्याय किया। जब अपनी बीवी से कहा, लक्ष्मी हमें 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है, तो अच्छा जी कांग्रेचुलेशंस कहकर चली जाती। कभी इसकी आंखों में इतनी खुशी नहीं देखी। लेकिन जब मैंने उसके लिए मॉल में सिर्फ 5 मिनट दिया और एक आदर्श पति की तरह एक साड़ी खरीदने पर वो कितनी खुश हुई, ये मैंने परसों देखा। अपनी बेटी को कॉस्टली गिफ्ट देने के लिए मैंने कॉस्टली कार दिलवाई थी, तब उसकी आंखों में उतना रिएक्शन नहीं था। लेकिन जब उसके लिए उस पर्दे पर मैं ओम लिख रहा था, पीली मिट्टी से, सिर्फ मिट्टी, उससे पूजा करते समय जो उसकी आंखों में चमक दिखी, उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। एक बिजनेसमैन बनकर मैं जो सबके घरों में रहना चाहता था, आज तक अपने ही घर में नहीं था, लेकिन आप सब लोग सबके घरों में हो। मैं सोचता था कि अपनी बेटी को धन दौलत पैसा देकर मैं अपनी निगाहों में एक महान पिता बन जाऊंगा। मुझसे अपनी बेटी की शादी में सारी रस्में करवाकर पिता की जिम्मेदारियों का एहसास दिलवाने के लिए थैंक यू वासु। तुम हमेशा मुझसे कहते थे कि मैं दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूं, मुझे समझ में नहीं आता था, पर इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। ये जानते हुए भी, यहां मौजूद इन सबको बताने की जरूरत ना होने पर भी, अपनों से सच नहीं छुपाना चाहिए, यह सोचकर सबके सामने तुमने सॉरी कहा ना, यह तुम्हारे संस्कार की वजह से है, महान संस्कार है। मेरे काफी सारे दोस्त मुझसे कहते थे कि तुम्हारी बेटी से शादी करने वाला खुशकिस्मत है। नहीं वासु, मुझे लगता है कि तुम जैसा दामाद पाना मेरी खुशकिस्मती है। आप सबको दुखी करने के लिए मैं माफी चाहता हूं, प्लीज फॉरगिव मी, माफ कर दीजिए। अरे अरे, हमारे बीच माफी कैसी? अब शादी की अहमियत पहले जैसी क्यों नहीं रही? रिश्तों में से प्यार इस तरह दूर क्यों हो रहा है? इस बात को जैसे आप समझ गए हैं वैसे सब समझ जाए तो अच्छा होगा। जिस रिश्ते में कोई लगाव ना हो उसे आगे बढ़ाना और परंपराओं को छोड़कर आगे बढ़ते रहना सही नहीं है, समझे जी? चलो। एक मिनट पापा, उस मंडप में जाने से पहले इतनी बड़ी बात तुमसे छुपाने के लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। आई एम सॉरी श्री। इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाकर सिर्फ सॉरी कहोगे वासु? क्या चाहती हो तुम? जिंदगी भर के लिए तुम्हारा वक्त उधार चाहिए। कल्याणं वैभोहं श्री श्रीनिवासुनि कल्याणं कल्याणं वैभोहं श्री श्रीनिवासुनि कल्याणं रघुवर्षि रामाय यदुवर्षि कृष्णाय श्री श्रीनिवास पधारो यहां। मन चित से आशीष दो प्रेम शुभ बंधन जन्मों जन्म संग रहे ये सदा। कल्याणं वैभोहं श्री श्रीनिवासुनि कल्याणं। ईश्वर कृपा से है ऐश्वर्य समूचा अनुबंध है ये शुभ मन से शुभ मन का है धन है भागी बने जो भी सहभागी प्रति मन में छाया है आनंद सा आकाश बरसाए आनंदों की बरखा अनुराग जीवन में रहिए सदा। कल्याणं वैभोहं श्री श्रीनिवासुनि कल्याणं। नित्य कल्याणं लाए सप्तपदी लक्ष्मी कहो स्वागतम्
वचनों की वेदी मंत्रों की ध्वनि लिख रही है एक नव काव्यम है देती सुख राशि जीवन हो मधुमासी सब देव आशीष दे अग्नि की साक्षी में मन चित के वचनों से जीवन का पल पल चले हर मन प्रसन्नचित कण कण आनंदित परिवार संलग्न शुभ कार्य में सम्मान है हर सुस्वाभिमान है हर सु समय चल रहा है ये सौभाग्य में कल्याणम वैभोहम श्री श्रीनिवासुनी कल्याणम।